मित्रों और विद्यार्थियों, मैं प्रियंका आप सभी का भारत के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। चंद्रावती कुमारी जी, रोहन कश्यप, रमन झाझड़िया जी, योगेंद्र कुमार जी, बंटू जी, नरेश कुंद्रा साहब, प्रकाश चौधरी जी, सारिका जी, सेनोरिटा, सब लोगों को भाई मध्य रात्रि का मैं स्वागत सब लोगों का। बालाराम पटेल जी, विकास कुशवाहा जी, अखिल अग्रवाल जी, कुलदीप राठौड़, देवेंद्र चौधरी, योगेश यादव जी, सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। लंबे टाइम बाद में आज फिर से फॉर्म में आई हूँ। इस महीने पूरा रिदम खराब ही रहा 10 दिन का, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ टेस्ट सीरीज दे रखी थी जो कि आपको इंटरेस्ट नहीं दे रही थी। टेस्ट सीरीज भी हमारे द्वारा क्रिएट नहीं थी, वो प्लेटफॉर्म की खुद की टेस्ट सीरीज थी। और उसके बाद में 2-3 दिन तक स्वास्थ्य कारणों से मैं परेशान रही, और इवन आज मैं थोड़ा ठीक फील की। हाँ, अब थोड़ा ठीक है। उससे तो मैं उबर गई थी, जुकाम बुखार वो तो ठीक हो गया था, पर वो सूर्य नमस्कार भारी पड़ रहा है। तो क्या है कि बिहार चुनाव की ऐसे पूर्व संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने फास्ट फास्ट सूर्य नमस्कार किया ना, और वो गिर गई थी, तो बड़ा बैक पेन हो रहा है। तो फिजियोथेरेपिस्ट से फिजियोथेरेपी ली, प्राकृतिक चिकित्सालय में गए, ऑर्थोलॉजिस्ट को दिखाया, कई सारे पैतरे आजमाए, पर अभी तक हम रिलीफ नहीं आ पाए। और कल फिर हम एक नया तरीका, किसने बताया कि मैम आज पता चला कि चनक हो गई, तो मतलब कल जो उल्टा जन्मा हुआ है उससे चनक निकलवानी है। तो आपको ऐसा जन्मा हुआ तो बता दो भाई, मैं बहुत दुख पा रही हूँ, है ना। उर्मिला वर्मा जी नमस्कार, मैम मनीषा जी, वंदना पारिक जी, प्रवेश चौधरी जी, जगदीश प्रसाद ठाकर सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप, सर ने बाकायदा हमारे लिए वो काढ़ा टाइप का बना के पतंजलि वाला, और वो घर भिजवाया, तो सर बड़ा शुक्रिया आपका। वो अलग बात, हमसे पिया नहीं गया, बहुत बहुत कड़वी चीज थी वो, है ना। खैर चलिए मित्रों, देखिए, एक तो मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा फील इसलिए हो रहा है कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मुझे बहुत सारा दिन हो गया अभी जुड़े हुए, लगभग 6 मंथ का टाइम होने लग गया। लेकिन एक ऐसा रहा कि संभावना हमेशा ये रही कि मुझे हमेशा या तो एंसेंट स्ट्रीम में डाला गया है, और मैंने लगातार कम से कम भी 5 या 6 बैच एंसेंट स्ट्री के करवाए इस प्लेटफॉर्म पे। मुझे मॉडर्न हिस्ट्री दिया गया, मैंने मॉडर्न इंडिया खूब पढ़ाया, और इसके अलावा मैंने आर्ट पढ़ाया है, कल्चर, कला और संस्कृति का बाकायदा मैंने एक पूरा बैच करवाया। शायद मुझे लगता है कि पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एकमात्र मैं एडुकेटर हूँ जो कल्चर का पूरा फुल बैच आप लोगों के लिए दिया था आरएएस के लिए। वो आप जब भी चाहें तो आप बैक क्लास देख सकते हो। लेकिन मिडाइवल का वो सौभाग्य रहता है कि या तो वो उल्टा उधर से चालू करवाते हैं लास्ट से या स्टार्ट से, तो मिडाइवल बीच में रह जाता है और वो हमेशा ही छूटता चला जाता है। तो अभी जो प्लस कोर्स मेरा चल रहा है दोपहर वाला, उसमें मिडाइवल आने वाला है। इसी महीने की 29 तारीख से मिडाइवल स्टार्ट होगा, और इस महीने मैंने कोशिश की है कि जितनी भी प्लस क्लासे के अलावा जो स्पेशल मेरी फ्री क्लासे हैं आप लोगों के लिए, उनमें मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं मिडाइवल हिस्ट्री के कुछ अनछुए पहलुओं को छूं, ताकि आप थोड़ा सा मिडाइवल हिस्ट्री के साथ भी फेमिलियर फील कर सको। कुलदीप चारण जी नमस्कार, इंदिरा ढेलू जी नमस्कार। अच्छा, उसके लिए वेट कर रहे हो, बिल्कुल, मुझे भी बड़ा बेसब्री से इंतजार है कि 22 तारीख को मेरा एंसेंट खत्म होगा, 8 दिन की छुट्टी आएगी, और कुछ 8 दिन आप मेरे से मुक्ति पाओगे, और फिर हम 29 तारीख से पूरा मिडाइवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट, और हम स्टार्ट करते हैं इस मिडाइवल हिस्ट्री को। और थोड़ा सा आज जो आपका टॉपिक लिया गया है वो हमको यहाँ पे देखना है कि दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत का आज तक तो संस्थापक ही नहीं पता, किसी को लगता है कि मोहम्मद गोरी इसका संस्थापक है, किसी को लगता है कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक है, किसी को लगता है इल्तुतमिश संस्थापक है, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि तीनों ही इसके संस्थापक है। तो अब तीनों क्यों है और तीनों में बेसिकली क्या अंतर है, क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आपसे पूछा जाएगा, और हर क्वेश्चन का आंसर आपको किस प्रकार से देना है, इसी के साथ ही अपनी क्लास रहेगी, ठीक है। आगे देखिए, मेरी दिवाली की एक भी छुट्टी नहीं की, लेकिन मैं केवल 13 तारीख की क्लास लूंगी, फिर मैं 14 की क्लास है उसको रिशेड्यूल डालूंगी 16 के लिए, क्योंकि 15 का संडे है तो 15 की छुट्टी रहती है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मेरी सभी, और 14 को मैं क्लास लूंगी नहीं, तो मैं 13 को लेके 14 की क्लासेस को 16 को रिशेड्यूल डाल जाऊंगी। तो मेरी तरफ से आपकी 2 दिन की छुट्टी हो जाएंगी, 14 की और 15 की। बोलो सही बात है, सुनो 5 दिन अपनी। हाँ बिल्कुल जी, तो देखिए इंदिरा ढेलू जी, कुलदीप चारण साहब, बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगता है। चारण से याद आया
ललित रियासत किंग जी नमस्कार, राजेंद्र अली पूर्वा जी नमस्कार। प्यारे साथियों, जैसे वो अभी बात कर रही थी कि हमारा कल्चर, मैंने एक बैच लिया आर्ट एंड कल्चर का, और थैंकफुल चारण जाति की मैं मानती हूँ कि उन्हीं की बदौलत हमारा संस्कृति लंबे टाइम तक जिंदा रह पाया। अदरवाइज जो एंशंट हिस्ट्री का जो आर्ट एंड कल्चर था वो खत्म प्राय हो गया था जब मध्यकालीन भारत में मुस्लिम आक्रांता आए और फिर आधुनिक काल में अंग्रेजी कंपनियां आई करके और अपने साहित्य को जिंदा रखा। और उधर भाट जो लोग थे उन्होंने भी वंशावलियां गा गा के और हमारी संस्कृति को जिंदा रखा। और आज हम दोनों ही कास्ट उनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं इतिहास के लोग कि चारण और भाटों की वजह से कैसे भी करके आज इतिहास काफी कुछ उनका ऋणी है और रहेगा। खैर चलिए आ जाइए। तो कमल सैनी जी नमस्कार। आई थिंक कमल सैनी सरी तो नहीं आ गए। कमल सैनी जी एक हमारे सर भी हैं मैथमेटिक्स के, या कोई हो सकते दूसरे भी हो तो सर नाम बताएंगे तभी पता चलेगा। मैम कोई बड़ा नेता टपक जाए तो 2 दिन और हो जाएगी ना। तू तो प्रकाश वो बात कर रहा है, जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी तो भैरव सिंह शेखावत की मृत्यु हुई तो मेरे को इतनी खुशी हुई, मतलब आज मुझे लगता है मेरी बेवकूफी भी बड़ी ऐसे शर्म आती है कि मैं किस लिए खुश थी, लेकिन वो बचपना था तो मैं इतनी राजी हुई कि बोले कि 7 दिन का राजकीय शोक राजस्थान में। तो मुझे ऐसा मन कर रहा कि यार राजस्थान के जितने भी बड़े नेता सब टपक जाए तो आराम से 1-2 महीने की छुट्टी हो जाए, लेकिन मैंने कोरोना काल में देख लिया कि छुट्टी थोड़े ही दिन अच्छी लगती है। अब देख लो, अब जो छोटे बच्चे थे ना स्कूल जाने के लिए रोया करते थे, अब उनके भी ऐसे ऐसे मन में कुटकड़ी आती है कि काश स्कूल खुल जाए तो स्कूल जाए, है ना। ऐसे होता है। आगे देखिए। अच्छा, किसी ने सवाल आते ही पूछ लिया, अरे थोड़ी तो शर्म करो, क्या क्या सवाल पूछते हो तुम लोग। ओहो अच्छा, चलिए मित्रों ऑल द बेस्ट, हम स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग रेडी हो। चालू करूं, किसी कोई और सवाल हो देखिए आ जाओ तो मेरे साथ। अब मुझे कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, थोड़ी देर आप लोग चुपचाप सुनोगे। प्यारे साथियों, जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास को हम लोग अगर बात करें भारतीय इतिहास की, तो प्यारे साथियों इतिहास को हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए मोटा मोटी 3 अध्यायों में बांट के पढ़ते हैं। इतिहास के कितने अध्याय है जी, चैप्टर कितने, भाग मत बता रहे हो, पार्ट्स नहीं बता रहे हो, पार्ट ऑफ हिस्ट्री अलग है, पार्ट ऑफ हिस्ट्री अलग है। पार्ट ऑफ हिस्ट्री तो आपको बताया जाएगा वस्तुनिष्ठ इतिहास व्यक्तिनिष्ठ, मैं तो केवल अध्ययन की सुविधा के लिए जो चैप्टराइजेशन किया गया है हिस्ट्री का वो बता रही हूँ। तो अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को हमने 3 लेशन में, 3 पार्ट में, 3 चैप्टर में बांटा, जिसमें एक को हम कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरे को हम कहते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरे को प्यारे साथियों हम कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। बोलिए सही बात है। विनीता मीणा जी नमस्कार। प्यारे साथियों, स्थितियां ये रही कि एक टाइम पे वर्तमान में इतिहासकारों को लगा कि यार एक बात बताओ, हम अशोक के लिए कहें सम्राट अशोक प्राचीन काल का इतिहास का व्यक्ति, तो हम प्राचीनता का मतलब यहाँ कालक्रम से नहीं लेते, हम प्राचीनता का मतलब यहाँ मानसिकता से लेते हैं, बुद्धिमता से लेते हैं। हम किसी को नहीं बोलते यार कितना प्राचीन आदमी है ना, तो प्राचीन का मतलब नेरो, उस नेरो माइंड वहां देख रहे हैं उसको कि यार ये तो आज के जमाने के अकॉर्डिंग ही नहीं है, पुराने जमाने की तरह बात कर रहा है। तो हम लोगों को प्राचीनता का मतलब थोड़ा सा घृणात्मक रूप आता है, इसलिए इतिहासकारों को लगा यार अशोक महान प्राचीन कैसे हो सकते हैं, वैदिक सभ्यता प्राचीन कैसे हो सकती है, भाई हम उससे ऐसे कैसे सोच सकते हैं यार प्राचीन काल की सभ्यता, प्राचीन काल क्या होते हैं, वैदिक सभ्यता की वजह से आज हम जिंदा है, जो भी कुछ हमारे पास है आज वो पूरा वैदिक कल्चर का पार्ट है। तो एक टाइम पे ये हुआ कि प्राचीन भारत का नाम बदल दिया गया और वर्तमान में प्राचीन भारत को हम क्या बोल देती थी, नया नाम है इसका गोल्डन इरा ऑफ इंडिया, गोल्डन इरा ऑफ इंडिया। गोल्डन इरा ऑफ इंडिया का मतलब होता है प्यारे साथियों भारत का स्वर्णिम इतिहास। और प्राचीन भारत आपको पता है सोने की चिड़िया था, हर के घर में एक बढ़िया वाली सोने की मुर्गी थी जो डेली एक सोने का अंडा दिया करती थी, आ हा हा, धन धान्य के कोठार भरे पड़े थे, कोई कमी थी नहीं, ठीक है। उसके बाद में आया मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में आप देख रहे हो शांति कहीं नहीं है, आपस में सर फोड़ रहे हैं लोग, एक दूसरे को मार रहा है, दूसरा पहले को, पहला तीसरे को, यानी कहीं भी एक जगह सुकून की लाइफ नहीं है, ठहराव नहीं है। लगातार क्या है जी, गृह युद्ध है, लगातार क्या है, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष है, लगातार क्या है जी, एक राजवंश को, एक शासक को मार के दूसरा शासक राजा बन रहा है। वेरी गुड अखिल। तो हमने मध्यकालीन भारत का नाम दिया स्ट्रगलिंग इंडिया। क्या नाम दिया जी,
हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगलिंग इंडिया, संघर्षरत भारत का इतिहास। यहाँ भारत हमको झुंझता हुआ नजर आ रहा है, वो स्टेबिलिटी का प्रयास कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि मुझे कैसे भी करके स्थायित्व मिले। तो हम मध्यकालीन भारत को बोलते हैं संघर्षरत भारत का इतिहास। रेहान शर्मा जी नमस्कार। और आधुनिक काल का आप जानते हो डोकरा था, और वो डोकरे का नाम क्या था जी, गांधी। और पूरा कुछ सब कुछ गांधी में निहित है। गांधी में उदारवाद भी है, गांधी में उग्रवाद भी है, गांधी में खुद गांधीवाद भी है, और गांधी में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के तत्व भी है। तो पूरा आधुनिक भारत है। और इवन मैं कहूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो हमने स्थापना की, और कांग्रेस के जो भी सदस्य रखे गए, वो सब इर्द गिर्द घूमते हैं किसके, उस बूढ़े डोकरे के ही। इसलिए पूरे आधुनिक भारत का नाम ही हमने क्या रख दिया, बिफोर गांधी एंड आफ्टर गांधी हिस्ट्री। मतलब गांधी से पहले का भारत और गांधी के बाद का भारत। अब गांधी से पहले का भारत का मतलब ये मत समझना कि 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में एक आड़ा सा पतला सा मरा वसा छोरा हुआ था, उससे पहले की बात है। ना ना ना, उस इसका मतलब यहाँ पे गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश को लेके बात कर रहे हैं कि महात्मा गांधी 1915 में भारतीय राजनीति में उनका प्रवेश होता है ना, उस प्रवेश को लेके बात की जा रही है प्रवीण कुमार जी, यानी 1915 से पहले का इतिहास और 1915 के बाद का इतिहास, ये इसमें शामिल किया जाएगा। ये सभी आप प्लस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी। आज जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे जी, मध्यकालीन भारत की। बोले सही बात है, हमारा टॉपिक कहाँ से उठ रहा है जी, मध्यकालीन भारत से। प्यारे साथियों, और देखिएगा इसमें क्या है, मध्यकालीन भारत की शुरुआत वैसे तो हम लगभग 712 से ही मान लेते हैं। 712 में क्या हुआ था जी, 712 को 20 जून 712 को एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इस मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। क्या किया था जी, भारत पे आक्रमण किया था। तो वैसे तो देखा जाए तो मध्यकालीन भारत की सांकेतिक शुरुआत 712, असफल को नहीं मानेंगे ना अखिल, असफल को क्यों मानेंगे, हम तो सफल की बात करेंगे ना कि 711 में असफल हो, नहीं नहीं वहां से आप मत उठाइए, हम तो तब से मानेंगे जब वो सफल आक्रमण था। तो 20 जून 712 को उसने सिंध पे आक्रमण करके ब्राह्मण राजा दाहिर को पराजित करके चच वंश को समाप्त कर दिया, और उसी दिन से मध्यकालीन भारत की शुरुआत मान लेते हैं। लेकिन ये सांकेतिक शुरुआत है, क्यों, क्योंकि आप सब लोग जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो ये भी जानते हैं कि 800 से लेके 1200 ईस्वी तक का काल है वो हमारे इतिहास में एक संक्रमण काल के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको हम पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, और इसी को हम लोग राजपूत ईरा भी कहते हैं। बोलिए सही बात है, क्यों, क्योंकि 800 से लेके 1200 ईस्वी तक लगभग 400-500 सालों तक राजपूतों की विभिन्न कौम, चौहान, चालुक्य, गुर्जर, प्रतिहार, है ना, चंदेल, और फिर गहड़वाल, पाल, और फिर आपके उधर कश्मीर में उत्पल, लाहौर, लोहार, कारकोट, ऐसी असंख्य छोटी बड़ी जातियां थी, क्षेत्रियों की जातियां थी जिन्होंने भारतवर्ष पे अलग अलग स्थानों पे राज किया। तो ये वो काल है जब विदेशी ताकतें और मुसलमान भारत आने का प्रयास कर रहे हैं, कभी कोई जीत जाता है तो यहाँ से लूट लाट के वापस भाग जाता है, मतलब स्थायित्व नहीं मिला मुसलमानों को, स्थायित्व नहीं है मध्यकालीन भारत में। मुसलमान आ जरूर रहे हैं हिंदुस्तान में, पर वो क्या कर रहे हैं, धन संसाधन लूट ले जाते हैं यहाँ से, बात खत्म। स्थायी कोई अपने पीछे ठोस सबूत नहीं छोड़ के जा रहे, कोई प्रशासनिक आधार उन्होंने अपने पीछे नहीं छोड़ा। तो हम तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत सांकेतिक तौर पे 712 से कर लेते हैं, लेकिन अगर वास्तविक शुरुआत देखी जाए कि भाई मुसलमानों ने अपना कोई राज्य बनाया हो हिंदुस्तान में, तो मुसलमानों ने तो पहला राज्य कब बनाया जी, 1206 में बनाया था, जिसको हम दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। बोले सही बात है। तो वैसे देखा जाए तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत 712 से हो जाती है, लेकिन अगर थोड़ा और खुल के बात करें तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत जो समय माना गया है वो 1206 ईस्वी से लेके, प्यारे साथियों, 23 जून 1757 बेटल ऑफ प्लासी तक के समय को मध्यकालीन भारत में शामिल किया जाता है। राज बंजारा जी नमस्कार, जय सिंह जी नमस्कार, क्लियर। तो दोनों चीजें याद रखनी है, वास्तविक समय तो 1206 ईस्वी से लेके 30 जून 1757 का वॉर ऑफ प्लासी है वहां तक का समय इसमें शामिल किया गया, और वैसे हम 712 से इसकी शुरुआत मान लेते हैं। आगे देखिए प्यारे साथियों, स्थितियां क्या बनी ये बताती हूँ आपको, अगली पीपीटी ले रही हूँ। प्यारे साथियों, हमने देखा
ये जो मध्यकालीन भारत है आपका, मध्यकालीन भारत को हम लगभग चार भागों में बांटते हुए देख पाते हैं। वाह मैम, योर राइटिंग हैज चेंज्ड कंप्लीटली। अरे वाह, थैंक यू सो मच। मुझे कोई ये कह दे ना कि मैम आपकी राइटिंग में थोड़ा सुधार आ गया, तो मतलब वो नरेंद्र मोदी का तो सीना 56 इंच का होता, मेरा तो 72 इंच का हो जाता है फूल के। सच्ची बता रही हूँ, इतनी खुशी मिलती है मुझे। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा। फिर तो और सोना सोना या मोती सामान शु देखो थे पंडो देखा है ना, पहले से तो अच्छी है मैम। चलिए जी, थैंक यू। अब देखिए क्या था, मध्यकालीन भारत को हम मोटा तौर पे कितने भागों में बांटेंगे जी? चार भागों में बांटेंगे। चार भागों में बांटते हुए देखेंगे। एक भाग को कहा जाता है, एक भाग को हम नाम देते हैं विदेशी आक्रमण, क्लियर। दूसरे भाग को हम नाम देंगे जी सल्तनत काल। तीसरे भाग को नाम देते हैं हम मुगल काल। और लास्ट वाले भाग को देते हैं हम विविध पक्ष। और भी कुछ पक्ष है, देखिए क्या है। सुरजीत सिंह राठौड़ साहब नमस्कार। अब चाहे कोई भी मास्टर से पढ़ो आप, वो चाहे कोई भी पढ़ाए आपको मिड लेवल हिस्ट्री, वो घूमेगा इन चार चीजों के आसपास ही। विदेशी जो आक्रमण है मित्रों, विदेशी आक्रमणों को आपको पता है हम दो भागों में बांटते हुए देखते हैं। एक हम क्या बोलते हैं जी, अरब जाति का भारत पे आक्रमण, और दूसरा हम क्या बोलते हैं जी, तुर्क जाति का भारत पे आक्रमण। बोलिए सही बात है। सल्तनत काल को हम कितने भागों में, कितने वंशों में बांटते हुए देखते हैं जी? सल्तनत काल के टोटल पांच वंश हुए हिंदुस्तान में। एक गुलाम वंश था, फिर उसके बाद में प्यारे साथियों खलजी वंश था, खलजी वंश के बाद में प्यारे साथियों एक तुगलक वंश था, तुगलक वंश के बाद में मित्रों एक सैयद वंश था, और सैयद वंश के बाद में सबसे लास्ट में कौन सा वंश था जी, लोदी वंश था। ये देखने को मिला। और मुगल काल है, मुगल काल को कितने भागों में बांटेंगे जी? दो भागों में बांटेंगे। एक कहते हैं हम पूर्ववर्ती मुगल बादशाहों का काल, एक को कहेंगे हम पूर्ववर्ती मुगल बादशाहों का काल, और दूसरे को हम कहेंगे प्यारे साथियों उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों का काल। क्लियर, ये हुआ। खलजी था ना, न कि खिलजी। अरे खलजी ही था, खिलजी नहीं है, खिलजी कुछ नहीं होता, गलत बोलते हो। ये खलजी है। खलजी किसका नाम है? एक क्षेत्र का नाम है, अफगानिस्तान में एक क्षेत्र है जिसका नाम है खलजी, और उसी के नाम पे इस जाति का नाम पड़ा खलजी राजवंश। खिलजी क्या होता है? आप लोग खिलजी बोलते हो, खिलजी कुछ नहीं होता, खलजी होता है। उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों का काल, आगे जब बताएंगे आपको, पढ़ाएंगे ना जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी, मुबारक शाह खलजी, तब बताया जाएगा। और लास्ट में आया प्यारे साथियों विविध पक्ष, और विविध पक्ष में आप किसकी बात करोगे? एक हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की, एक हम बात करेंगे बहमनी साम्राज्य की, एक हम बात करेंगे प्यारे साथियों यहाँ पे भक्ति आंदोलन की, एक हम बात करेंगे यहीं पे प्यारे मित्रों सूफी आंदोलन की, और एक हम यहाँ पे बात करेंगे मराठा साम्राज्य की। बोलो सही है। ये है आपका पूरा मध्यकालीन भारत, चारों तरफ इसी के घूमता हुआ आपको हिंदुस्तान नजर आएगा। अब देखिए मित्रों, अब बात ही आई अरब आक्रमण में किसकी बात की जाती है? अरब आक्रमण करता कौन था आपके हिंदुस्तान में, कौन आया था? अरब आक्रमण करता था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। बोलो सही बात है। तुर्क जाति से दो लोग हिंदुस्तान में आए, एक को हम बोलते हैं क्या जी, महमूद गजनवी, ठीक है, और एक को क्या बोलते हैं हम लोग, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, और इस साम का ही दूसरा नाम क्या है जी मित्रों, मोहम्मद गोरी। बोलो सही बात है। साम का ही दूसरा नाम क्या है? मोहम्मद गोरी। तो अरब जाति का आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम, पहले उसका आक्रमण पढ़ेंगे हम। फिर तुर्क जाति के आक्रमण करता है जिसमें महमूद गजनवी, आपको ध्यान है 17 बार भारत को आक्रमण किया, 17 बार आया भारत को लूटने के लिए, सोमनाथ के मंदिर का लुटेरा था, बुद्ध शिखन की उपाधि ली थी, दुनिया का पहला सुल्तान है, दुनिया का पहला सुल्तान है। और मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम को भी हम बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि भारत में मुस्लिम जो जाति है, मुस्लिम जो वंश है, उसका संस्थापक कौन है जी? बनवार जी। भारत में मुस्लिम वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम यानी मोहम्मद गोरी को ही मानते हैं हम लोग। आगे चलिए प्यारे मित्रों, अब आया गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था जी? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर, इसको पढ़ेंगे। फिर खलजी वंश का संस्थापक कौन है? सब लोगों को पता होगा खलजी वंश का संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन। वेरी गुड,
जलालुद्दीन खलजी और इसके राजवंश को पढ़ेंगे। तुगलक वंश का कौन है प्यारे मित्रों? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक इसको देखा जाएगा। सैयद वंश का कौन है प्यारे साथियों? सैयद वंश का संस्थापक था खिजर खां, इसकी बात करेंगे। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था साथियों? बहलोल लोधी, इसकी बात की जाएगी। बोलो सही बात है। अब बात आई किसकी, अब बात करें पूर्ववर्ती मुगल बादशाहों के। पूर्ववर्ती मुगल बादशाहों में किस किस को शामिल करते हैं? बाबर को शामिल करते हैं, हुमायूं को शामिल करते हैं, इसी में हम अकबर को शामिल करते हैं, जहांगीर को शामिल करते हैं, जहांगीर के छोरे शाहजहां को शामिल करते हैं और औरंगजेब को शामिल करते हैं। इन छह लोगों का काल तो कहलाता है ग्रेट मुगलाज एज, महान मुगलों का काल। और उसके बाद में उत्तरवर्ती मुगल काल, यानी कहां से शुरू होगा जी? बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम टू, कहां तक? बहादुर शाह द्वितीय, द्वितीय का मतलब किसकी बात कर रहे हैं? जफर की, यहां तक का काल है ना, वो पूरा किस में आता है? उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों में आता है, जिसमें बहादुर शाह, जहादार शाह, फरुखशियर, रफीउद्दर जात, रफीउद्दर दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, फिर अहमद शाह, आलमगीर दित्ते, शाह आलम दित्ते, अकबर दित्ते और सबसे लास्ट में बहादुर शाह जफर दित्ते अयोग्य मुगल राजा हुए। बोलो सही बात है। विजयनगर की आप बात जानते ही हो, विजयनगर एक हिंदू राज्य था, इसको हम पढ़ेंगे। बहमणी एक मुसलमान वंश था, इसको पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन में हम आदि गुरु शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य है ना, गौड़पादाचार्य, इन सबको देखेंगे। सूफी आंदोलन में संदीप कसाना जी नमस्कार, जितने भी सूफी आपके सिलसिले हैं, जैसे चिश्ती सिलसिला है, सुहारावर्दी सिलसिला है, फिरदौसी सिलसिला है, कादिरी सिलसिला है, नक्शबंदी सिलसिला है, सतारी सिलसिला, छह बड़े सिलसिले हैं हिंदुस्तान में, उनको पढ़ेंगे। आप तो एक को ही जानते हो, आपके अजमेर शरीफ वाला चिश्ती सिलसिला, बस बाकी आपको पता नहीं है। और सबसे बाद में पढ़ेंगे हम मराठा साम्राज्य। वर्षा अग्रवाल जी नमस्कार। मराठों को भी हम दो भागों में बांट के देखेंगे, एक छत्रपतियों के अधीन मराठा साम्राज्य, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज, फिर संभाजी है, राजा राम है, ताराबाई है, साहू आदि को, और एक पढ़ेंगे हम पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य, जिसमें बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव मस्तानी वाला बाजीराव है ना, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधव राव, नारायण राव, रघुनाथ राव है ना, और फिर आपका बाजीराव द्वितीय तक के पेशवा हम लोग देखेंगे। ये पूरा आपका किसका पार्ट है? मध्यकालीन भारत का भाग है, जो कि आप प्लस क्लास में मेरे साथ लगातार पढ़ोगे इसी महीने के लास्ट तारीख से। क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ कुछ तो सुना हुआ होगा आज तक, या सब कुछ ही ऊपर से गया? ऐसे एक आधी लाइन तो ऐसे पढ़ा क्या, ऐसे लगी क्या हवा, या कुछ भी नहीं लगा? झूठ ना बोलियो। अच्छा, कुलदीप आ गया, कुलदीप हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुलदीप सही कह रहा है। नक्शबंदी सिलसिला सबसे कट्टर सिलसिला माना जाता है, उसी में हुए वो बक्की बिल्ला जैसे लोग और बदायूनी जैसे लोग, जिन्होंने मतलब अकबर तक की जो धार्मिक नीतियां थी उनकी क्या की है जी, बुराइयां की है ना, बहुत बहुत सारी बुराइयां। मैम आज से मध्यकालीन इतिहास शुरू, मतलब कुछ क्लासेस रखी हैं ऐसे ही, कुछ कुछ अच्छी क्लासे कोशिश की है कि आपके स्पेशल में ले लें। इतना पढ़ा, अब कितना डीप पढ़ा नहीं पता। अच्छा चलिए जी, तो चलो ये रहा आपका मध्यकालीन भारत का मोटा मोटा इतिहास। अब हम बात करते हैं सीधा ही किस पे आते हैं जी, अब हमको आपका जो टॉपिक है वो इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश कौन से वंश का है? इस वंश का है। कौन से वंश का है जी? गुलाम वंश का है। तो अब हम अलग से लेते हैं गुलाम वंश, ठीक है। अब देखिए जो सल्तनत काल है, सल्तनत काल कब से कब तक माना गया है जी? सल्तनत काल को हमने माना है 1206 से लेके कब तक? सोनल जी नमस्कार, 21 अप्रैल 1526 और वॉर ऑफ पानीपत फर्स्ट, यहां तक के समय को हमने किस में शामिल किया है जी? हमने सल्तनत काल में शामिल किया है। 1206 से लेके 21 अप्रैल 1526 तक के टाइम पीरियड को हम सल्तनत काल में शामिल करते हैं। सल्तनत काल का जो पहला वंश था उसको कहा जाता है गुलाम वंश, और गुलाम वंश के शासकों ने मित्रों 1206 से लेके 1290 तक शासन किया है। सल्तनत काल में टोटल तो इसमें 5 वंश है, उनमें 5 वंश में जो पहला वंश है गुलाम वंश, इसने 1206 से लेके 1290 तक क्या किया है साथियों? शासन किया है। बोलो सही बात है। अब देखिए मित्रों, इस गुलाम वंश को हम दास वंश के नाम से भी जानते हैं।
इस गुलाम वंश का एक नाम क्या भी मिलता है, दास वंश। मतलब ये क्या है जी, ये हाली है किसी के, ये दास है किसी के। गोला गोली प्रथा है, सादड़ी प्रथा टाइप का सिस्टम। अब बताऊंगी क्या है ये। प्यारे साथियों एक चीज और याद रखना, मैं सोनल ठीक हूँ बिट्टू, आज तो ठीक हूँ, कविता यादव जी नमस्कार। एक चीज आपको यहाँ पे और याद रखनी है कि इस गुलाम वंश को दास वंश के साथ साथ इतिहासकार हबीबुल्ला, इतिहासकार का क्या नाम है, हबीबुल्ला, हबीबुल्ला जैसे इतिहासकारों ने इसको क्या भी बोला है जी, मामलूक वंश के नाम से भी संबोधित किया है। अब बात यह आई कि मैम व्हाट इज मामलूक, ये मामलूक क्या होता है। इस प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, मामलूक से तात्पर्य होता है स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुए दास। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा किसी बहुत ही अच्छे इंसान के साथ विवाह हो गया, अच्छे के साथ ही होगा, तो मान लीजिए कि मेरा विवाह हुआ और हम एक दंपति हैं, जोड़ा है, मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ, और हम लोग स्वतंत्र जिंदगी जी रहे हैं, बाद में हमारे बच्चे हुए और हमने उन बच्चों को किसी बड़े राजा के या किसी सामंत के यहाँ बेच दिया। अब वो बेचने के कई पैसे में बेच सकते हैं, हो सकता है हमारी कोई मजबूरी हो तब बेचा, किसी भी कारण से हमने उनको बेच दिया। अब अगला जाने उसे वो घर का काम करवाए कि खेती करवाए कि वो उनको सैनिक बनाए कि योद्धा बनाए कि राजा बनाए, वो अगले पे निर्भर करता है। तो इस वंश के जो प्रारंभिक संस्थापक हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो माता पिता थे वो किसी के दास नहीं है, वो स्वतंत्र दंपति हैं। उनके बच्चा हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने अपने बच्चे को मोहम्मद गोरी को बेच दिया। मोहम्मद गोरी के चूंकि अपने बच्चे थे नहीं, तो उसने अपने जो खरीदे हुए दास थे उन्हीं को अपना बच्चा माना और उन सबको खूब पढ़ा, मतलब पढ़ाया लिखाया और योग्य सैनिक बनाया और सेना में भर्ती किया। और एक टाइम पे जब लगा कि ये मेरा सबसे विश्वास पात्र सैनिक है तो उसके नाम पे बड़ी जागीर दी। तो बच्चा तो चाहे मित्रों किसी के भी यहाँ पला बड़ा होगा, लेकिन प्रारंभ में उसकी शुरुआत एक दास के रूप में हुई है, इसलिए उसको मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये हुई। अब देखिए मित्रों, अब एक विशेष बात आपको बताएं, ये जो गुलाम वंश है जिसने 1206 से लेके 1290 तक डंडा देखा तो घुस गया मैथ में, हाँ बाहर से जा रहा था मैम के हाथ में डंडा देखा तो घुस गया मैथ में। कौन घुस गया, किसकी बात कर रहे हो, तरुण शर्मा जी नमस्कार, बीच में डिस्टर्ब करते हो, बदमाश हो रहे हो, अरे बीच में कोई मत बोलो, रिधम में रहने दो, इतिहास निकलेगा, मुझे छेड़ोगे। वो वाली बात याद आती है क्या, अलीवर्दी खां अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कहा करता था कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं छेड़ोगे तो वो शहद देगी, अगर छेड़ोगे तो वो डंक मार मार के जान से ही मार देगी, याद आता है ना। तो आप मुझसे इधर उधर मुझे नहीं भटकाओगे, तो एंट्री ली है ना, मुझे इधर उधर नहीं भटकाओगे तो मैम आपको मिडाइवल हिस्ट्री इतना टकाटक पढ़ाएगी कि जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे, और अगर मुझे छेड़ोगे तो फालतू बात करवा लो 1 घंटे, मेरे बाप का क्या जाता है, बोलो सही बात है ना। हाँ आते ही डांटना स्टार्ट, पिक्चर चल रही है आंखों के सामने, क्या बात है, थैंक यू सो मच मनीषा। और बस एक चीज तो मैं बोलती हूँ, मतलब मुझे मेरा एक सौभाग्य ही है, और आई एम ए मतलब ये मान के चलो लक्की गर्ल। मैं एक चीज को लेके दुनिया में, मैंने आज तक एक कहावत सुनी हमेशा कि लड़की की सबसे बड़ी दुश्मन लड़की होती है, पर थैंक गॉड मैं शायद सबसे अलग हूँ। मुझसे सबसे ज्यादा अगर प्रेम कोई करता है तो वो मेरी क्लास की बच्चियां ही करती है। लड़के को तो मैं बदमाश लगती हूँ, है ना, तो उनको तो सबको खड़ूस लगती हूँ, बल्कि जो भी बेटियां आती है वो सच में बहुत प्यार आज तक मिला है, और भगवान से दुआ है मिलता रहे हमेशा। देखिए प्यारे साथियों, अब देखिए एक बात बताएं, ये जो गुलाम वंश है, जैसे पूरे दिल्ली सल्तनत को हमने 5 वंशों में बांटा, पहला वंश गुलाम वंश था। प्यारे मित्रों आगे चल के हम डीप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम पाएंगे इस गुलाम वंश को भी कितने भागों में बांटा गया जी, गुलाम वंश को भी आगे चल के हमने 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। पहला वंश था गुलाम वंश में कुतुबी वंश, पहला वंश कौन सा था मित्रों, कुतुबी वंश, जिसने 1206 से लेके 1210 तक भारत में शासन किया। और इस वंश का जो संस्थापक, आगे बताती हूँ, पहला तो ऐसे समझ लो, पहला था कुतुबी वंश, कुतुबी वंश के बाद में दूसरा वंश आया प्यारे साथियों शमसी वंश। कौन सा वंश आया, शमसी वंश, जिसने 1210 से लेके 1266 तक भारत में राज किया। और सबसे लास्ट में आया था बलवनी वंश, बलवनी वंश, और इस बलवनी वंश ने हिंदुस्तान में 1266 से लेके 1290 तक राज किया। क्लियर हो गया ना,
टोटल समय देखोगे तो देखिए 1206 से 1290, यही तो बताया गया 1206 से 1290, बोलो सही बात है। अब स्थिति ये रही, ये जो कुतुबी वंश है इसका संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबी वंश का संस्थापक किसको मानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। शमसी जो वंश है इसका संस्थापक माना जाता है प्यारे साथियों इल्तुतमिश को, और आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। अब आप ये कहोगे मैम इनको कैसे नहीं पढ़ाया, भाई ये प्लस क्लास नहीं है ना, स्पेशल है, तो स्पेशल में हमको ऐसे जो इच्छा वो टॉपिक उठा के चल देते हैं ना, तो ऐसे इल्तुतमिश बीच में से उठाया गया। और लास्ट में आता आपका बलवनी वंश, और बलवनी वंश का जो संस्थापक है वो कौन था जी? बलवन, बोलो सही बात है। आज तो सदरजिया की स्टोरी कैसे आएगी, आज तो इल्तुतमिश ही पूरा नहीं होगा, रजिया सुल्ताना की स्टोरी तो तब आएगी ना जब पहले हम इल्तुतमिश को कराएंगे। आज देव एमसीक्यू नहीं है क्या सोनल? एमसीक्यू आपसे कल से करवाएंगे, कल से मैंने आपको ये तो क्या पहले की पीपीटी बनवाई हुई थी आप लोगों के लिए, उस दिन मैंने ली नहीं थी ना ये वो क्लास है। कल से मैं कोशिश करूंगी कि जो भी अगला टॉपिक है आपके इल्तुतमिश के बाद में कौन, शायद कल हो सकता अलाउद्दीन खलजी पढ़ाऊं आपको, कल तो पता नहीं एमसीक्यू होगी, मैं से कोशिश करूंगी कि लास्ट 10-15 मिनट एमसीक्यू कराऊं मैं, कल तो हम साकार जोर केसरिया करवाएंगे, सीधी सी बात है ना। अच्छा अच्छा रजिया सुल्ताना की पर्सनलिटी मिलती है, अरे बापड़ी बहुत बुरी मौत मरी, मुझे ऐसी बुरी मौत मारना चाहती हो, कितने गंदे हो। मैम आप कमेंट्स नहीं पढ़ते तो देव को पूछ ले, अच्छा ये बात है क्या? पढ़ती हूँ ना, पर वो क्या है कि ऐसे अचानक से ध्यान कई बार नहीं जाता, वैसे पढ़ती हूँ बिल्कुल पढ़ती हूँ। कुतुबुद्दीन वैसे भी क्लियर है, इल्तुतमिश ही करवाओ। अच्छा कुतुबुद्दीन क्लियर है ना, तो चलो इल्तुतमिश ही करेंगे। तो देखिए गुलाम वंश को तीन भागों में हमने बांटा, एक कुतुबी वंश, एक शमसी वंश, एक बलवनी वंश। कुतुबी वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जयराम यादव जी नमस्कार। शमसी वंश का संस्थापक इल्तुतमिश, और बलवनी वंश का संस्थापक कौन है? बलवन। क्लियर, ये रही स्थिति। अब हम जो उठा रहे हैं वो कौन है आपका? इल्तुतमिश। चलिए जी अब इल्तुतमिश के बारे में बात करते हैं, पहले आपको थोड़ा सा दिखाऊं, ये देखिए ये दिल्ली सल्तनत, ये रहा गुलाम वंश, ये रहा गुलाम वंश। गुलाम वंश ने कब से लेके कब तक हिंदुस्तान पे शासन किया जी? गुलाम वंश ने हिंदुस्तान पे, पहन लेती हूं मैं, 1206 से लेके 1290 तक शासन किया है, बोलो सही बात है। देखो यहाँ पे भी ये लोग गलत लिखते हैं क्योंकि हमारी नहीं बनी हुई, ये वैसे गूगल से ली हुई है। खलजी वंश, खलजी जो वंश है, खलजी वंश का टाइम कब से कब तक है जी? खलजी वंश ने भारत पे 1290 से लेके 1320 तक क्या किया जी? शासन किया, बोलो सही बात है। उसके बाद में आपका आता है तुगलक वंश, तुगलक वंश ने हिंदुस्तान में 1320 से लेके 1414 तक क्या किया जी? शासन किया है। फिर आया सैयद वंश, सैयद वंश ने भारत पे 1414 से लेके 1451 तक प्यारे साथियों शासन किया है। और सबसे लास्ट में आया लोधी वंश, लोधी वंश ने भारत पे 1451 से लेके 21 अप्रैल 1526 बाबर के भारत आगमन तक शासन किया है। ये टोटल 5 वंश यहाँ हिंदुस्तान में अपने को देखने को मिले। आगे देखिए मित्रों, ये रहा आपका इल्तुतमिश, देख लो किस में मिल रहा है, मेरे में तो ना मिल रहा, मेरे डैडी ना है, तुम में से मिल रहा है किसी में। अब देखिए ये हम बात कर रहे हैं इल्तुतमिश की, कैलाश चंद्रा जी नमस्कार। और जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने भारत पे प्यारे साथियों 1210 से लेके कब तक राज किया जी? 1236 तक शासन किया, लंबा टाइम लिया। देखो 1210 से लेके 1236 तक इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान पे राज किया। एक बात बताना चाह रही हूं आप लोगों को, कोई सवाल आया बच्चे का? सवाल बहुत पूछते हो रे, ये डीसी पूछता है, मतलब ये क्या था? अच्छा तो ऐसे ये याद करने का तरीका है क्या? ये गुड़ खातु साले है, सर्दियां आ गई है, गुड़ खातु साले, ऐसे याद कराऊं आपको? आपका लेवल थोड़ा बड़ा है ना, बल्कि मतलब तरीके तो और भी होते हैं, ये तो फिर भी याद नहीं रहे, मैं तो आपको ही कहूँ चलो आप अब याद कर लो, और भी इजी है लो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये हमको नहीं आते, या हमने हमारे टाइम पे बड़ा ही नहीं होगी? अब पढ़ना, तो अब पढ़ के जोर जोर से बोल कमरे में, है ना,
कि हाँ ये तरीका सबसे अच्छा है, ये कोटेशन इसे याद कर लूंगा, पर ये आरएस की क्लास है। अब मैं ऐसा बोलूं कि गुड़ खातु साले, या ऐसा बोलूं कि ये खातु साले, फिर कहूं कि आपको याद करो, तो बड़ा अजीब लगता है खुद के लेवल पे, है ना। अधिक सी तो गलतियां लिखते हैं ये, ठीक है ना। हाँ चलो मिटा देती हूँ, बेइज्जती करवाते हो तुम लोग। ये चलिए आगे चलो, ठीक है, क्लियर। आप वैसे याद रह गया होगा, आपको टेंशन मत करो। अब देखिए, हम बात कर रहे थे इल्तुतमिश की, ठीक है। तो हमने पाया कि इल्तुतमिश ने भारत पे कब से कब तक शासन किया जी। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड कब से कब है, 1210 से लेके 1236 तक इस व्यक्ति ने शासन किया। मैं एक दो बातें पूछना चाह रही थी, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग ठीक बताएंगे। पहली मैं बात लिख रही हूँ, जरा मुझे आप व्याख्या करना। इस इल्तुतमिश को इतिहास में गुलामों, या मैं सिंपल बोलूं गुलाम का गुलाम, या मैं कह सकती हूं दास का दास भी कहा जाता है। बोलो सही बात है क्या? मैंने कहा कि जो इल्तुतमिश है उसको हिस्ट्री में हम दास के दास का दास बोलते हैं। क्यों? दास के क्रम में दूसरी श्रेणी का। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर एक आदमी है जिसका नाम क्या है जी, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, यानी मोहम्मद गोरी, मेन आदमी ये है। गोरी का एक दास था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास है जिसका नाम क्या है जी, इल्तुतमिश। तो हो गया ना दास के दास का दास, भाई मेन आदमी है उसका दास ये, उसका दास ये, तो दास का दास या गुलाम का गुलाम, ये खुद गुलाम है, इसका मालिक भी किसी का क्या है, गुलाम है। तो ये दासता के कर्म में दूसरे पायदान पे रखा जाता है। दासता के कर्म में कौन से पायदान पे आता है, दूसरे पायदान पे आता है। देखिए स्थिति क्या है प्यारे मित्रों, जो मोहम्मद गोरी हैं, मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के गोर प्रदेश के निवासी थे। कौन से प्रदेश के निवासी थे, गोर प्रदेश के निवासी थे। गोर प्रदेश के निवासी होने के कारण ही मरुगंधा विराट जी, इतिहास में उनको हमने गोरी कहा है। आप गोरी कभी वंश मत देखना, सवाल आपके पता क्या आता है, सवाल इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित में से मोहम्मद गोरी का वंश था, फिर आपके ऑप्शन देगा उसमें गोरी वंश, गजनी वंश, फिर आपको दे देगा आगे यामिनी वंश, ठीक है, और भी आगे जा सकता है वो शमसी वंश। क्या पूछा मैंने आपसे, सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा, अच्छा किसने कहा शमसी वंश और क्यों कहा, 100% श्योर हो? और कोई बच्चा का सवाल पोल में नहीं छोड़ रही, वैसे ही कोशिश करो, आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। सवाल आपके सिंपल आएगा कि मोहम्मद गोरी थे वो कौन से वंश से संबंधित था, सी यामिनी वंश। और कोई सवाल, एक का यामिनी आ रहा है, मतलब सब लोग गड़बड़ कर रहे हो ना। अब मैं आपको बताऊं, गोरी गोरी किसी वंश का नाम है क्या, बताना मुझे, अच्छा बी, अरे मुझे पता ही था सब लोग ऐसे ही करोगे। देखिए प्यारे मित्रों, उपयुक्त सभी असत्य हैं, बोलो सही बात है, उपयुक्त सभी असत्य हैं, बोलो सही बात है, सही बात नहीं है, सुन लो मैं बताऊं आपको क्यों। गोरी किसी वंश का नाम नहीं है, गोरी किसी वंश का नाम नहीं है, गोरी किसका नाम है जी, क्षेत्र विशेष का नाम है जहां का मोहम्मद गोरी था। गजनी भी किसी क्षेत्र का नाम, सॉरी वंश का नाम नहीं, गजनी भी क्षेत्र का नाम है, गजनी क्षेत्र का होने के कारण उसको महमूद गजनवी बोलते हैं, बल्कि गजनी कोई जाति, कोई वर्ग, कोई वंश, कोई लिंग, कोई धर्म नहीं है, क्षेत्र का नाम है, तो ये भी नहीं है। यामिनी वंश का कौन था जी,
जो गजनवी था वो यामिनी वंश का था तो बिल्कुल गलत हो गया, शमसी वंश का कौन था, इल्तुतमिश था तो भी गलत हो गया। मैं तो आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैं तो मोहम्मद गोरी पूछ रही हूँ, मोहम्मद गोरी का वंश कौन सा था जी, मोहम्मद गोरी तो संसबनी वंश का था, कौन से वंश का था जी, मोहम्मद गोरी तो संसबनी वंश का था। बोलो सही बात है, बोलो सही बात है। तो गड़बड़ क्या होती है, एक तो नाम आता है हमेशा इतिहास में पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी का, और एक पढ़ते हैं महमूद गजनवी का, है ना, दो नाम आते हैं आपके। ये दोनों क्या है जी, ये तुर्क आक्रमण करता है, दोनों तुर्क जाति के आक्रमण करता है जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया। ये जो गजनवी जो नाम पड़ा है ये किसकी वजह से पड़ा है जी, आमिर खान वाली गजनी फिल्म की वजह से। यानी गजनवी जो नाम है वो गजनी क्षेत्र की वजह से पड़ा हुआ नाम है, और ये गोरी नाम है ये भी किसकी वजह से पड़ा है जी, गौर क्षेत्र की वजह से। और हमको क्या लगता है कि गोरी तो गोरी वंश का था और गजनवी गजनवी वंश का था, और आते हुए गलत होता है, ऐसा सवाल आते हैं हम सबसे पहले ई टिक करते हैं, वाह एक तो हो गया, और वहां अंडा आता है बड़ा वाला, दो अंडे आते हैं साथ में। बल्कि जो महमूद गजनवी था इसके वंश का नाम तो था प्यारे साथियों यामिनी वंश, और जो गोरी था इसके वंश का नाम था संसबनी वंश। बोलो सही बात है, अब ये ठीक है, क्लियर हो गई ना। अरे राजस्थान का निवासी उसको राजस्थानी नहीं बोल सकते क्या, अगर मैं बोल दूं प्रियंका राजस्थानी तो गलत है क्या, गलत तो नहीं है ना वो, लेकिन राजस्थानी वंश थोड़ी है यार, राजस्थानी तो क्षेत्र है, उसके नाम से मुझे राजस्थानी बोल दिया, हम बोलते हैं आई एम इंडियन, तो इंडियन कोई वंश का नाम थोड़ी है, जाति थोड़ी है, इंडियन कोई धर्म थोड़ी है, तो इंडियन क्या है, इंडियन तो क्षेत्र का नाम है, देश का नाम है, क्षेत्र के नाम पे पड़ गया। हम बोलते हैं वहां, और हम बोलते हैं कमला हैरिस, वाह भारतीय मूल की एक महिला थी जो क्या बनी है, पूरे अमेरिका की पहली महिला, जो मतलब पहली महिला है वो जो अपने इतने बड़े उपराष्ट्रपति पद पे पहुंची है, हम ये बोलते हैं। तो वो उसका भी आता है कि आप ये मत जानना कि मैं यहाँ की लास्ट महिला हूं, बल्कि मैं अमेरिका की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट हूँ, वो बोलती है कि ये बात नहीं बोलती। तो हमने ये देखा यहाँ पे, तो प्यारे मित्रों क्षेत्र विशेष के नाम से लोगों के नाम आगे जाल के बोल दिए जाते हैं, लेकिन वंश उनका अलग होता है। आगे देखो, हाँ पहली हूँ अंतिम नहीं, यही बात बताना चाह रही थी। तो प्यारे साथियों अब चलो अगली स्लाइड लेनी पड़ेगी। जो मोहम्मद गोरी थे, मोहम्मद गोरी के कहते हैं कि एक भी बच्चा नहीं था, एक भी बच्चा नहीं था। तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया, अपने कुछ दास थे, दास तो उसके बहुत थे, लेकिन विश्वास पात्र दास जिसको उसने जाके अपने साम्राज्य का मालिक बनाया। तो मोहम्मद गोरी ने अपने साम्राज्य को लगभग कुछ तो कहते हैं तीन और कुछ कहते थे चार, चार भागों में क्या कर दिया जी, बांट दिया। ठीक है, चार भागों में से उसने एक अपना दास था जिसका नाम था प्यारे साथियों ताजुद्दीन मोहम्मद, ताजुद्दीन मोहम्मद। एक दास था जिसका नाम था नासिरुद्दीन कुबाचा, एक दास था जिसका नाम था प्यारे साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक दास था जिसका नाम था ताजुद्दीन मोहम्मद इख्तियारुद्दीन बख्तियारुद्दीन खलजी। ये इसके चार विश्वास पात्र दास हैं जिनसे वो बहुत विश्वास रखता है और जिनके अंदर वो अपना भविष्य तलाश करता है। ठीक है, प्रकाश देवासी जी नमस्कार। इसमें नाम है या पीडिया, नाम ही है बेटा। इसमें जो ताजुद्दीन मोहम्मद था उसको उसने बनाया, जो खुद का क्षेत्र था ना, जहाँ खुद गोरी जहां का मैन निवासी था, अफगान का जो क्षेत्र था, अफगान का क्षेत्र, और स्पेशली जो गोर का प्रदेश था, गोर प्रदेश का, इसको उसने मुखिया बना दिया। नासिरुद्दीन कुबाचा को उसने, राजेश जोशी जी नमस्कार, मुल्तान और प्लस सिंध का मुखिया बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको भारतीय प्रदेश, और भारतीय प्रदेश में भी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों का, है ना, नियर दिल्ली, दिल्ली के आसपास के प्रदेश का क्या बनाया जी, मालिक बनाया। और जो ताजुद्दीन मोहम्मद इख्तियारुद्दीन बख्तियारुद्दीन खलजी था उसको उसने जो भारत का ही जो बंगाल का क्षेत्र था यहाँ का क्या बना दिया जी, मतलब अपना सूबेदार, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। और गोरी लौट गए,
आपको पता ही है कि रस्ते में खोकर जाति का एक जाटों का लड़का था और उसने नमाज की मुद्रा में मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी की जब हत्या हो गई तो मोहम्मद गोरी के बाद में उसका जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने 1206 में दिल्ली सल्तनत को स्टेब्लिश किया और उसी से गुलाम वंश की हमने शुरुआत देखी। 1206 से लेके 1210 तक इसने शासन किया। 1210 में इसकी मृत्यु के बाद में इसका एक योग्य बेटा था, बिल्कुल काम का नहीं था, जिसको इतिहास में आराम शाह के नाम से नाम दिया गया। नाम भी आराम शाह, आराम ही किया उसने। एक साल तक महज 5-7 महीने के लिए शासन किया, राजगद्दी पे बैठा और बाद में उसको इल्तुतमिश ने अपदस्थ करके और राजगद्दी हथिया ली और एक नवीन वंश स्थापित कर दिया, जिसको इतिहास में हम शमसी वंश के नाम से संबोधित करते हैं। प्रमोद पूनिया जी नमस्कार। अब बात ही आती है, हम पढ़ते हैं किसको, इल्तुतमिश को। देखिएगा इल्तुतमिश के बारे में, अब लेते हैं हम फाइनली इल्तुतमिश पे। अरे मैं तो सोच रही थी कि फटाफट हो जाएगी, तो बहुत धीरे चल रही है। दिनेश रेशमा जी नमस्कार। अब इल्तुतमिश के बारे में कुछ चीजें सुनते जाइए। पहली बात, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक व्यक्ति था जिसका नाम था, प्यारे साथियों, जमालुद्दीन मोहम्मद। इस व्यक्ति से इसको खरीदा था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जमालुद्दीन मोहम्मद नामक एक व्यापारी से इसको खरीदा था। इसलिए हम आगे चल के इसको गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो मालिक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, वो खुद क्या है जी, गोरी के गुलाम है। पहली बात तो ये। प्यारे साथियों, इस इल्तुतमिश को हम दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक सुल्तान, या इसको हम दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। अब बात ही आई कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था तो इसको वास्तविक सुल्तान क्यों बोला जाता है, इसको वास्तविक संस्थापक क्यों बोला जाता है? प्यारे साथियों, इसके कई सारे कारण हैं। पहली बात तो यह है कि ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक और पहला सुल्तान, पहला वास्तविक सुल्तान इसलिए माना जाता है कि ये पहला व्यक्ति था जिसने क्या किया था जी, बाकायदा खलीफा से मान्यता ली थी। बोलो सही बात है। कुतुबुद्दीन ऐबक बेचारा राजा बना, उसको मान्यता लेने का टाइम ही नहीं मिला, वो राजगद्दी को स्थायित्व प्रदान करने में ही रह गया, ले ही नहीं पाया ना मान्यता ही, वो उसे मतलब फतवा नहीं पढ़वा पाया खलीफा से। बाकायदा इसने अपने नाम का फतवा जारी करवाया और बाकायदा इसने खलीफा से मान्यता ली। और खलीफा से मान्यता ले तो एक तो कारण ये हो गया, खलीफा से मान्यता लेने के कारण इसको हम क्या बोल देते हैं, वास्तविक सुल्तान बोल देते हैं। पहले वाला वास्तविक नहीं है, क्योंकि उसको कहने भले के लिए हम सुल्तान बोले, पर वो आपड़े ने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। कुतुबुद्दीन ऐबक जिंदगी भर मलिक और सिपा सालार की उपाधियों से ही संतुष्ट रहा, उसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली, इसलिए उसके आगे सुल्तान शब्द नहीं लिखा जाता। तो इसने खलीफा से अपने पद को मान्यता प्रदान करवाई, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल प्रमोद जी, इसलिए हम उसको वास्तविक सुल्तान बोलते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात प्यारे साथियों, इसको वास्तविक संस्थापक भी कहने के कई कारण रहेंगे। एक तो इसने खलीफा से मान्यता ली, दूसरी बात ये दिल्ली सल्तनत का पहला राजा हुआ जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इससे पहले जो भी लोग आए, एक ही आया, कौन आया, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसने सुल्तान की उपाधि ली नहीं। तो आपको दो बातें याद रखनी है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो इल्तुतमिश था उसका गुलाम, उसी व्यक्ति के द्वारा पहली पहली बार खलीफा से मान्यता ली गई और उसी व्यक्ति के द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण की गई, इसलिए हम उसको वास्तविक सुल्तान के नाम से संबोधित करते हैं। ये बात आई। अब बात यह आई कि इसको वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाए। वास्तविक संस्थापक प्यारे मित्रों उस राजा को कहा जाता है जिसका राज प्रशासन होता है बहुत ही केंद्रीकृत हो, देवीय सिद्धांत पे आधारित हो, सिस्टेमेटिक ढंग से चलता हो और प्रशासन की समस्त शक्तियां एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष में निहित हो और एक बड़े अच्छे साम्राज्य का मालिक हो, उसको हम बोलते हैं कि हाँ ये वास्तविक शासक है, ऐसे शब्द आता है। और प्यारे मित्रों, इल्तुतमिश के जो भी कार्य थे वो सब ऐसे ही रहे कि एक टाइम पे इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी का जितना क्षेत्र था ना, उतने पूरे क्षेत्र पे क्या कर लिया जी, अधिकार कर लिया। और मोहम्मद गोरी के जितने भी दास थे ना, सबको एक एक को करके निपटा दिया इस बंदे ने। यानी मोहम्मद गोरी के बाद में इल्तुतमिश ही पहला आदमी है जो मोहम्मद गोरी के संपूर्ण साम्राज्य का क्या बड़ा मालिक बना, नॉट भारतीय प्रदेश।
जितना मोहम्मद गोरी का राज्य था, चाहे वो मुल्तान का हो, चाहे सिंध का हो, चाहे खुद गोर अफगानिस्तान का हो, ये क्षेत्र भी जीत लिया किसने? एक दिन इल्तुतमिश ने। तो सोचो कितना खतरनाक आदमी है। यही वह पहला व्यक्ति था जिसने राजधानी क्या बनाई थी जी? दिल्ली बनाई थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम तो राजधानी लाहौर लेके बैठे थे। तो लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने वाला भी व्यक्ति कौन था? इल्तुतमिश ही था। प्यारे साथियों, ये व्यक्ति ऐबक के काल में सर ए जहादार के पद पे नियुक्त था। सर ए जहादार का मतलब होता है जो शाही सेना होती थी राजा की, उस शाही सेना का प्रमुख था, और बाकायदा इसको बदायूं का गवर्नर बना रखा था। और एक विशेष बात, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जवाई भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक इससे इतना खुश था कि अपनी पुत्री का निकाह भी इल्तुतमिश के साथ कर रखा था। तो अब कई बार आपके ये आया होगा कि आराम शाह को जब इसने मार के सुल्तान का पद धारण किया, तो जो अमीर वर्ग के लोग थे और जो सदरे सुदर और काजी उल कुजात टाइप के जो लोग थे, यानी न्यायाधीश और जो मौलवी जो वर्ग था, उलेमा वर्ग कैसे राजी हो गया होगा? तो उलेमा वर्ग इसलिए राजी हो गया प्यारे मित्रों, अदरवाइज वो एक गुलाम को तो कभी राजा स्वीकार नहीं करते। कुतुबुद्दीन ऐबक को कर रखा था, वो कम था क्या जो उसके भी दोस्त दास को राजा स्वीकार करते? लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाकायदा उसको अपना दामाद बना लिया। तो दामाद बना लिया तो उच्च श्रेणी में शामिल हो गया है ना भाई, वो शासक का दामाद है, इसलिए फिर वो दास्ता वाली बात उसके हमारे फील आ नहीं रही है। इसीलिए फिर एक टाइम पे इसका बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, और उलेमा वर्ग ने और अमीर वर्ग ने इसको क्या किया जी? अपना सुल्तान स्वीकार किया। रजिया के मामले में आगे बताऊंगी कि रजिया इतनी महान होने के बावजूद भी क्यों जिंदगी में इतना स्ट्रगल करी वो, और क्यों अच्छे तरीके से शासन नहीं कर पाई, क्योंकि जो उलेमा वर्ग था और जो आपका अमीर वर्ग था, उसने कभी उसको सपोर्ट नहीं किया। मैं पूरा एक अच्छे से क्लास ही रखूंगी, आप टेंशन मत करो उस पर। अब देखिए मित्रों क्या हो रहा है। प्यारे साथियों, इसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके कार्य देखिएगा, मैं इसके एक दो कार्य बताऊं, उसी से आपको पता चल जाएगा कितना महान था। प्यारे साथियों, उस जमाने में उसको ध्यान था कि एक दिन हिंदुस्तान में जीएसटी लाए बिना काम चलेगा नहीं, या तो मुद्रा स्फीति करनी पड़ेगी या मुद्रा अवस्फीति करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक सुधार। और बाकायदा इस व्यक्ति ने क्या किया थी उस जमाने में, इतनी साल पहले मुद्रा का मानकीकरण किया। सोचो बीजेपी वाले कितनी हिस्ट्री जानते हैं, यानी इस व्यक्ति ने आज से इतनी सालों पहले मुद्रा का मानकीकरण किया और बाकायदा नई मुद्रा जारी की। और नई मुद्रा किसकी थी? या तो चांदी की मुद्रा जारी की, या इन्होंने इस व्यक्ति ने तांबे और पीतल की मुद्रा जारी की। जो इसने चांदी की मुद्रा जारी की, यानी जो सिक्का जारी किया, उसको हम टंका बोलते हैं, और उसने तांबे और पीतल का जो सिक्का जारी किया, उसको इतिहास में जीतल कहा जाता है। तो पहली बात तो आप ये जानते हो, पहला बात तो ये क्लियर है कि एक श्रेष्ठ शासक वही होता है। राजतंत्र की बात करें, लोकतंत्र, आज वाली बात नहीं करें, राजतंत्र में एक श्रेष्ठ शासक और महान शासक उसी को माना जाता है प्यारे मित्रों, जिसकी एक खुद की एक पर्सनल मुद्रा हो, जिसकी खुद की अपनी टकसाल हो, जिसमें बाकायदा रुपये ढाले जाते हो, जिसमें बाकायदा राजा का नाम, उसकी तिथि, उसके महत्वपूर्ण कार्य, उसके शौर्य, उसके युद्ध युद्ध अभियान, उसके विजय अभियान आदि प्रदर्शित किए जाते हो। बोलो सही बात है कि नहीं? श्रेष्ठ राजा तो वही होगा जिसके सिक्के पूरे पूरे चारों तरफ के राज्यों में प्रचलित हो, जिन व्यापार वाणिज्य जिन सिक्कों से किया जाता हो, दूर देशों तक जो सिक्के मान्यता प्राप्त हो, डॉलर आज कहीं भी चला लो, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो प्यारे साथियों, स्थिति यह थी कि इस व्यक्ति ने सबसे पहले मुद्रा का मानकीकरण किया, और ऐसा करने वाला वो दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था। तो नो डाउट, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वास्तविक सुल्तान तो यही था जिसने दिल्ली सल्तनत को स्थापित ही नहीं किया। स्थापना करना कुछ नहीं होता, ऐसे बोलते ना कि जन्म देना बड़ी बात नहीं होता है, पालने वाला भी बहुत महान होता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो केवल दिल्ली सल्तनत को जन्म दिया है, बल्कि उसका पालक है वो तो कौन है जी? इल्तुतमिश। दूसरी बात, प्यारे साथियों, एक चीज अच्छे से जानता था कि जैसे इसको पता है कि भाई मैंने मेरे ही ससुर को, यानी मेरे ही साड़े को मैंने टपका के आराम शाह को मैं शासक बन गया, अगर मैं कमजोर हुआ, मैं चोमू हुआ, तो बहुत सारे मेरे योग्य सेनापति हैं, सामंत हैं, मौलवी वर्ग के लोग हैं, अमीर वर्ग के लोग हैं, वो क्या करेंगे? एक था इल्तुतमिश, बोलो होगा कि नहीं? इसलिए अपने जूनियर को बहुत स्ट्रोंग रखना जरूरी है, अपने जूनियर को अपने नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। एक राजतंत्र में, देखो लोकतंत्र की बात अलग है, लोकतंत्र में हम तो बोलते हैं जनता का दंता द्वारा जनता के लिए शासन, लेकिन राजतंत्र में प्यारे साथियों, राजा जितना ज्यादा निरंकुश और तानाशाही होता है अपने प्रशासन के कार्यों के लिए, वो उतना ही श्रेष्ठ राजतंत्र माना जाता है। अब तानाशाही का मतलब आप जनता के लिए मत लेना, तानाशाही प्लस कल्याणकारी हो सकता है राजा,
अशोक था वो निरंकुश प्लस लोक कल्याणकारी राजा था। अब निरंकुश किसके लिए? अपने प्रतिद्वंदियों के लिए। निरंकुश किसके लिए? अपने दुश्मनों के लिए। निरंकुश किसके लिए जी? अपने जो उसके साथ गड़बड़ कर रहे हैं ना, उसका अहित चाह रहे उनके लिए। और प्रजापालक किसके लिए? जनता के लिए। बोलो सही बात है। तो एक राजा में दोहरा गुण होना ही चाहिए, वो प्रशासन को लेके निरंकुश हो, तानाशाही। जितना राजा निरंकुश और तानाशाही होगा ना, उतना ही महान राजा हो। और मैं आपको बता दूं, मैं तो ये सोचती हूँ इवन प्रजा वाला तो मैटर ही दूसरा आता है। दुनिया के जो भी महान लोग आज आप देखोगे वो सब अपने लेवल पे तानाशाही रहे। और भारत के महान राजाओं की बात कर लीजिए, अशोक अगर अपने 99 भाइयों को नहीं मारता और कलिंग जितना महत्वपूर्ण युद्ध में 1 लाख लोगों को नहीं मारता तो शायद अशोक इतना महान कभी नहीं होता। धमनीति से तो मौर्य प्रशासन मरा है, पैदा थोड़ी हुआ है। धमनीति तो उसको मार देती है, वो उसने अपनाया, वो तो उनके पैरों पे कुल्हाड़ी था एक तरह से। महानता तो उसको वहीं से मिली है जो निरंकुश था तब। इल्तुतमिश निरंकुश था तब महान सुल्तान है। आगे चल के और बता दीजिए, बलवन रक्त और लोह की नीति पे चलता है तब महान है। अलाउद्दीन खलजी किसी को नहीं बख्शता, जो भी सामने आएगा मार दिया जाएगा। महान राजाओं की श्रेणी में आता है कि नहीं आता बताओ? आप बताइए, नहीं आता क्या? चंगेज खान, तैमूर लंग, हिटलर, मुसोलनी, ये सब तानाशाही रहे हैं। चाहे कुछ ही समय के लिए राज किए हो, लेकिन जब किया है तब पूरी धरती हिली है इनसे। बोलो हिली है कि नहीं? तो प्यारे साथियों, इस व्यक्ति को एक चीज क्लियर पता थी। इस व्यक्ति को, बोलो बात सही है ना, तो इस व्यक्ति को, हाँ, बल्कि मैं ये भी नहीं कह रही कि तानाशाही का मतलब, तानाशाहीता का मतलब केवल हम मार काट की बात नहीं करें। तानाशाही अपने उसूलों को लेके तानाशाही, महात्मा गांधी भी बहुत तानाशाही है, वो उसूल के तानाशाह। अब तानाशाही का मतलब कुछ लोगों को तो ये लग रहा है कि मतलब जो मारने काटने वाला राजा होता है ना, कसाई टाइप का, वही राजा महान होता है। अरे जो अपने उसूलों पे चलता है। गांधी ने कहा सत्य तो है सत्य, गांधी ने कहा सत्याग्रह तो करेंगे, गांधी ने कहा अनशन तो करेंगे, गांधी ने कहा हड़ताल तो करेंगे भाई ये उनके। तो गांधी ने कहा ट्रस्टीशिप चलिए जी, ट्रस्टीशिप। गांधी ने कहा असहयोग जी बिल्कुल, गांधी ने कहा सविनय हो गया जी बिल्कुल, गांधी ने कहा अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य तो जी बिल्कुल। तो मतलब यहाँ तानाशाही का मतलब जो अपने सिद्धांत है उन पे जो स्ट्रोंग रहता है, मजबूत रहता है, जो कुछ भी हो जाए दुनिया में उनमें बदलाव नहीं करता, वो या तो एक टाइम पे सातवें आसमान पे होता है या खत्म प्राय हो जाता है। गांधी ने किए क्या? मात्र 21-22 लोगों को थाने में जलाने की घटना पे असहयोग आंदोलन बंद कर सकता है, मतलब क्या फर्क पड़ जाता? अरबों की संख्या थी उन लोगों ने, हमारे लाखों लोगों को मारा, हमने 21 को मार दिया तो कौन सी कोई चटकी चौदस हो गई, मार दिया, मर गए होंगे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं, कैसे मार दिया? मैं अहिंसा को लेके मैंने आंदोलन चलाया था, आंदोलन हिंसक हो गया, मैं मेरा आंदोलन बंद कर रहा हूँ, कौन माई का लाल है जो मुझे रोक के दिखाएगा? मार दो अगर आपको लगता है तो, गांधी गलत है। तो ये तानाशाही नहीं है क्या? बताइए, निरंकुशता नहीं है क्या अपने सिद्धांतों को लेके? तो मेरी बातों को थोड़ा आप डीप लेवल में पकड़ने की कोशिश करोगे तो ही समझ में आएंगे, नहीं तो वो कसाई वाली बात ही आप लोग समझ पाओगे, ठीक है? भेरसा चौहान जी नमस्कार, सुरेंद्र काड़क का क्या नाम है, खाडव जी नमस्कार, है ना? अपने सिद्धांतों पे अटल रहना ही बेटा तानाशाहीता का उदाहरण होता है। हाँ, यही कहना चाह रही हूँ, देखो थोड़ी सी भी देर बैठने से इतना फिर पेन हो जाता है कि ऐसी जान ही निकलने लग जाती है ना। हाँ, आगे देखिए क्या कहना चाह रहे थे। आलमगीर की तरह औरंगजेब तानाशाही था, बिल्कुल बिल्कुल आलमगीर की तरह औरंगजेब, मतलब आलमगीर का मतलब औरंगजेब की बात कर रहे हो तो औरंगजेब बिल्कुल तानाशाही था। अगली बात देखिए, चलिए आगे चलते हैं, आप समझ गए, प्लस की क्लासों में आपको डिटेल देंगे इनकी। प्यारे साथियों, इसको पता था कि अगर मैं, मेरे अधीनस्थ लोग हैं, मेरे सामंत लोग हैं, उनको अगर मैं एकदम अच्छे से कंट्रोल में रख पाऊंगा तो बेहतर ढंग से प्रशासन चलेगा। अदरवाइज तो क्या होगा, गृह युद्ध होंगे, गृह युद्ध नहीं होंगे तो किंग मेकर की थ्योरी आएंगी, दो सामंत मिलेंगे, दो सामंत मिलके राजा को मार देंगे, कठपुतली बादशाह बना लेंगे अपना, बोलो बनाएंगे कि नहीं? तो अपने अधीनस्थों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और बाकायदा इसी के लिए उसने एक संगठन बनाया जिसका नाम था तुर्कान ए चिहलगानी। क्या था जी? तुर्कान ए चिहलगानी, जिसको हम 40 गुट भी बोल देते हैं। कौन सा 40? हनुमान 40? नहीं, 40 का मतलब था 40 तुर्की गुलामों का गुट, गुलामों का संघ। बोलो सही बात है कि अपने विश्वास के जो 40 तुर्क जाति के, कट्टर तुर्क जाति के जो मुसलमान थे, उनको प्रशासन के उच्च पदों पे बैठा दिया। सेनापति, किसी को सेनापति बना रखा है, किसी को पालागल बना रखा है, किसी को
ब्रीद विभाग का अध्यक्ष बना रखा है, किसी को अर्ज विभाग का अध्यक्ष बना रखा है ना। तो एक तो भाई अपनी अपनी जात, भाई जैसे मान लो सपोज जीते कि मैं मान लो कि जाट हूं और मैं मेरे अंडर में 44 जाट ही लोगों को रखूं, तो चाहे वो कितने ही बुरे हो लेकिन थोड़ा सा तो उनका ज्यादा मेरे से अपना तो रहेगा ना कि यार जाट जाट आपस में, यादव ये सोचेगा, अपने सोचते ही है ना अपनी कास्ट को लेके। तो यहाँ स्थिति यही है, वो कास्टिज्म है कि उसने 44 तुर्की जाति के मुसलमानों को ही बनाया है। तो एक तो वैसे भी वो उसके अधीन है और दूसरा भाई सेम जाति है, तो वो थोड़ा सा उसके साथ हमेशा व्यवहार ठीक करेंगे। तो दूसरा ये रहा। अब आप बात बताइए, आज अगर लोकतंत्र को भी देखें तो लोकतंत्र किस पे निर्भर करता है कि आपका मंत्रिमंडल कैसा है, बोलो सही बात है कि नहीं। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री किस लेवल के हैं, कितने एक अच्छे हैं, वो जनता में उनका विश्वास कितना है, उनकी कार्य पद्धतियां कार्यशैलियां कैसी हैं। और अगर मान लो जो पूरा मंत्रिमंडल है वो बहुत ही बेटर स्थिति का हो तो फिर तो स्वर्ग आ जाएगा, फिर तो धरती पे जन्नत नजर आएगी ना। तो ये 40 के 40 लोग थे, वो कोशिश करेंगे कि बहुत बेटर ढंग से कार्य कर सके। बाकायदा अगर कोई कार्य नहीं करेगा चेंज कर दिया जाएगा। तो एक राज्य की दूसरी रीढ़ की हड्डी होती है उसका प्रशासन चलाने वाला नौकरशाही वर्ग, और ये जो उनका वर्ग था ये बहुत अच्छे लेवल का रहा। उसके बाद में देखिए तीसरी बात प्यारे साथियों, जिसने धूम मचा दी वो क्या थी जी, एकता प्रणाली। इस व्यक्ति ने एकता प्रणाली प्रारंभ की। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में तो आजकल आप पे टैक्स लग रहे हैं प्रियंका मैम, आपकी जितनी सैलरी है, और वो अनअकैडमी वाले पहले 7.5% काट के देते हैं, और फिर ऊपर सीए ऊपर से जोर लगा देता है, इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है कि 10 लाख से ऊपर होते मैम आप जमा कराओ, तो बड़ी गड़बड़े हैं। तो हम मतलब चाह के भी खा नहीं सकते है ना, चाह के भी खा नहीं सकते। अब तो हजारों तरीके हैं सरकार हमसे लेती है, आबकारी कर, सेल टैक्स, पता नहीं कौन कौन से, इनकम टैक्स। पहले क्या था भाई राजतंत्र में टैक्स सिस्टम क्या होता है, भू राजस्व कर, भू राजस्व कर के अलावा तो कोई कर था नहीं ना, आप भी जानते हो इस बात को। तो स्थिति प्यारे साथियों यहाँ पे ये थी कि अगर एक राजा अपनी प्रजा के ऊपर अच्छे तरीके से टैक्स सिस्टम लागू करेगा और टैक्स सिस्टम में उतना ही रखे जितना प्रजा आराम से पे कर सके, तो प्रजा में और राजा का आपस में विश्वास बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। बाकायदा इस व्यक्ति ने भूमि का बंदोबस्त करवाया, बढ़िया तरीके का लैंड रिफॉर्म करवाया, भूमि की पूरी पैमाइश करवाई, पर भूमि के प्रकार बनवाए कि भाई उसमें चंचल भूमि कितनी है, बंजर भूमि कितनी है, कि उपजाऊ कितनी है, अनुपजाऊ कितनी है, पूरा अपने पास मंगवा लिया कच्चा चिट्ठा। उसके बाद में ये पता करवाया कि कौन सी भूमि पे कौन सा अनाज ज्यादा होता है, भाई धान कितना हो रहा है, मोटा अनाज कितना हो रहा है ना, और पूरा पता करके बाकायदा उस जमीन के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, जमीन के एक टुकड़े के लिए कि हाँ जैसे ये गांव है, गांव की इतनी इकता यानी इतनी जमीन है, और उसके ऊपर एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जिसको हम इक्तेदार बोलते थे। वो इक्तेदार पूरे गांव से भू राजस्व कलेक्ट करेगा, ध्यान रखेगा छोटी छोटी बातों का, जो भी वहां के लोगों की समस्याएं हैं, अपना खर्चा निकालेगा, और जो भी जितना बच जाएगा उसको वो क्या करेगा, सल्तनत के राजकोष में यानी इल्तुतमिश के राजकोष में जमा करा देगा। सिंपल है, इकता का मतलब होता है जमीन का वह टुकड़ा जो सुल्तान किसी व्यक्ति को प्रदान करता है, उसको हम इकता बोलते हैं, और इकते के मालिक को हम इकतादार बोल देते हैं। तो प्यारे मित्रों आप देखिए इसकी स्थिति क्या है। प्यारे एक प्रशासन होता है वो किस पे निर्भर करता है, या तो उस प्रशासन की सेना अच्छी हो। भाई आज एक देश होता है वो कितनी चीजों पे निर्भर करता है, एक तो देश की इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, तो इकोनॉमी अच्छी बनाई कि नहीं बनाई इसने, मुद्रा का मानकीकरण किया। दूसरी बात, उस देश की सेना बहुत प्रभावशाली होनी चाहिए, ये लीजिए तुर्काने चहलगामी, सब एक से बढ़ के एक व्यक्ति, बिल्कुल ठीक। तीसरी बात, उस देश के जो किसान वर्ग है वो बढ़िया स्थिति में होना चाहिए, और बाकायदा सरकार के पास अच्छा सा टैक्स आना चाहिए, और पूरी जो जनता है वो एकदम खुश रहनी चाहिए ताकि जब भी देश पे मुसीबत आए जनता एकदम अपनी जी जान पे खेल के और देश के लिए त्याग और प्रेम और बलिदान की भावना रखे, जनता के अंदर राष्ट्रवाद कूट कूट के भराओ, ये है कि नहीं। तो सब चीजें तो कर दी आज के समय में, बताओ 2020 में अगर लोकतंत्र की भी चीजें देखें तो यही होता है, आर्थिक पक्ष कैसा है देश का, वहां के किसान और वहां के जो मजदूर क्लास के लोग हैं वो किस स्थिति में है, उस देश की सेना किस स्थिति में है, सब तो इसने अच्छी बना दी। बाकायदा मुद्रा का मानकीकरण किया है, बाकायदा तुर्कान चहलगामी बनाई है, बाकायदा एकता प्रणाली बनाई है। हाँ आगे चल के सामंती रूप ले लेगा, लेकिन जब तक राजा अच्छा प्रकाश जी तब तक तो किसी की औकात है नहीं कि चाहे चपट कर सके, वो तो वही बात है ना, जब राजा ही खराब आ जाएगा, अरे गांव में कहावत जब बीन का मुंह लाड़ पड़सिया जनेती काई करसी,
गांव में कहावत सुनी ना, जब बीन के मुंह लाड़ पड़सी तो जनेती बापड़ी बैठती काई करसी। तो वही वाली बात है, राजा स्ट्रोंग है तब तो किसी इकतेदार की हिम्मत है नहीं आंख उठा के देखने की। अब राजा ही जब गया बित्या जाएगा तब तो फिर ये जो इकतेदार होंगे वो दो इकतेदार मिलके राजा को ही बदल देंगे। वो तो सब जगह ही होता है, वो तो आज भी लोकतंत्र में अगर सेंटर में मजबूत सरकार होती है, बहुमत वाली सरकार होती है, राजा चाहे चपाट करते हैं कि आराम से अपना कार्य करते हैं। और केंद्र में अगर ढिलमुल सरकार है और गठबंधन की सरकार है, हर राज्य मुंह निकालता है मुझे स्पेशल स्टेट का दर्जा दे दो। मतलब बात सही है कि नहीं, मैं बीमारू राज्य हूँ, मैं बीमारू राज्य हूँ, मुझे स्पेशल स्टेट का दर्जा दे दीजिए। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ये तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है ना, या सामने वाले की हैसियत पे निर्भर करता है। आगे देखिए, ना ना मैं किसी मोदी वोदी की बात नहीं कर रही, आप पर्टिकुलर मुझे ऐसे फोर्स क्यों कर रहे हो? मतलब कुछ लोग तो ये जानना चाहते हैं कि मैम कांग्रेस है कि बीजेपी, मैं क्यों बताऊं? मैं इतिहास वाली हूं, मैं तो मरे ना बताऊं ये बात, तो है ना, बता नहीं सकती, चाह के भी मुझे दोनों को पढ़ाना है। आगे देखिए मेरे साथियों, अगली बात देखिए प्यारे मित्रों, इसी के काल में हुआ तराइन का तृतीय युद्ध। कौन सा युद्ध जी? तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन के दो युद्ध तो आप सब जानते हो, एक युद्ध 1191 में हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हो गया। दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य दोबारा से, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या हो गए थे जी? पराजित हो गए थे। तीसरा युद्ध हुआ था 1215 में। आप बताओ जरा, अभी नहीं आ रही आगे? हाँ पता नहीं क्या हुआ, एक बार नेट बीच में गया और उसके बाद में आवाज ही भाग गई। चलो 2-3 मिनट और पढ़ लो फिर चलते हैं। आप देखिए अगली बात क्या करी थी, त्राइन के दो युद्ध तो आप पढ़ चुके थे ना। त्राइन के इतिहास में टोटल कितने युद्ध है मित्रों? त्राइन के इतिहास में टोटल 3 युद्ध है, पानीपत के भी 3 है। त्राइन के कितने युद्ध है? 3 युद्ध है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। पहला 1191 में हुआ, दूसरा 1192 में हुआ और तीसरा 1215 में हुआ। पहला युद्ध था वो किसके मध्य हुआ था? गोरी वर्सेज चौहान तरते, है ना, पृथ्वीराज चौहान तरते। दूसरा भी किसके मध्य हुआ था जी? गोरी वर्सेज चौहान तरते, ठीक है। तीसरा किसके मध्य हो रहा है जी? इल्तुतमिश वर्सेज ताजुद्दीन यल्दोज। और ताजुद्दीन यल्दोज कौन है आपको पता है ना? ये मोहम्मद गोरी का दास है, पीछे मैंने बताया है। और कहाँ का राजा है, कहाँ का सूबेदार था, उसने कहाँ का सूबेदार बनाया था उसको? गोर प्रदेश का, जो मेन जो गोरी का क्षेत्र था गोर प्रदेश अफगानिस्तान, वहां का इसको सूबेदार बनाया था। इसमें आपको पता है ये जो पहला युद्ध था इसमें क्या हुआ था जी? चौहान जीता था, चौहान जीता था। दूसरे युद्ध में कौन जीता था? गोरी जीता था। और तीसरे युद्ध में कौन जीतेगा जी? तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश विजय को प्राप्त करेगा। ये शक्तियां क्या होती हैं जी? इसमें विजय होती है। बोलो सही बात है। इल्तुतमिश ने बाकायदा क्या किया? ताजुद्दीन यल्दोज को परास्त किया, अपदस्थ किया, और जो गोर मैन जो क्षेत्र था, जान था गोरी प्रदेश की या मोहम्मद गोरी की, उस पर अधिकार कर लिया। बोलो सही बात है। अब देखिए एक चीज ये भी देखी, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में श्रेष्ठ राजा कौन है? प्रजा जिसकी खुश है, राजकोष धन धाने से भरा पड़ा है, जिसकी जनसंख्या, खूब सारे सैनिक अच्छे तरीके से कार्य करे, और राजा है वो अपनी भौगोलिक सीमाओं का विस्तार कर रहा है। बोलो सही बात है। राजतंत्र की पहली शर्त होती है राज्य का साम्राज्य विस्तार। राजा महत्वाकांक्षी होना चाहिए, राजा को सदैव अपनी भौगोलिक सीमाओं को बढ़ाता रहना चाहिए। तो इल्तुतमिश इससे ज्यादा क्या बढ़ाएगा? पूरा का पूरा गोर प्रदेश ही भारत में शामिल कर लिया इसने, या दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया, पहली बात ये। दूसरी बात, मैं तो ये सोचती हूँ कि शायद इससे अच्छी कूटनीति, विदेश नीति शायद ही कोई कर सकता है। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि दूसरा, एक तरह से अगर मेरे जैसा इतिहासकार इतिहास लिखे वर्तमान टाइम में, तो मैं तो शायद इसको मध्यकालीन भारत का चाणक्य बोलूं। किसको? इस इल्तुतमिश को। ये मध्यकालीन भारत का चाणक्य है, सीरियसली चाणक्य। देखिए आपको बताती हूँ कैसे, आप खुद कह दोगे वाकई में मैं आदमी खतरनाक था। प्यारे साथियों, इसका पांचवा विशेष बात रहा मंगोलों के संभावित आक्रमण से भारत की रक्षा, संभावित आक्रमण से भारत की रक्षा। ये मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी देन है हिंदुस्तान को। मंगोल नेता था जिसका नाम था चंगेज खान, नाम सुने, जिसको हम तिमुचीन के नाम से भी जानते, तिमुचीन उसका मूल नाम था तिमुचीन, वैसे उसको हम इतिहास में चंगेज खां बोलते हैं, चंगेज खां उसकी उपाधि का नाम है, है ना, तिमुचीन है। वह ध्यान रखिए चंगेज खां मुसलमान नहीं है, एक विशेष बात बताऊं, चंगेज खां बौद्ध धर्म का आदमी है, बौद्ध धर्मावलंबी था,
उसका मूल नाम था तिमुचीन, चाइना का बुद्धिस्ट है वो, चाइना का बौद्ध धर्म का व्यक्ति है, तिमुचीन उसका नाम था। चंगेज खां की उपाधि ली, चंगेज खां का मतलब होता है धरती पे खुदा का अभिशाप। और वो कहा करता था कि जैसे लोग तो ये कहते हैं मैं धरती पे भगवान का वरदान हूं, मैं तो धरती पे खुदा का अभिशाप हूं, भगवान ने गलती की है मुझे पैदा करके, अब देखो मैं क्या करता हूँ। इतना कुखार आदमी था, विश्व के सर्वाधिक ये मान के चलो कट्टर जो शासक हुए उनमें नाम आता है चंगेज खान का, बोलो आता है कि नहीं। मंगोल का नेता था, जो मंगोलिया क्षेत्र है आज वहां का ये राजा था। प्यारे साथियों, उसकी किसी बात भी बिगड़ गई, किससे बिगड़ गई जी, ख्वारिज्म का एक राजा हुआ करता था। ख्वारिज्म का मतलब मैं बात करूं ट्रांसऑक्शियन प्रदेश की, जिसको हम खीवा प्रदेश बोलते हैं, अभी आपके नहीं समझ में आएगा, प्लस क्लास में कभी बताएंगे। वहां का एक राजा था जिसका नाम था जलालुद्दीन मकबरनी। करण सिंह जी नमस्कार। जलालुद्दीन मकबरनी से इसका किसी बात को लेके विवाद हो गया, और ये जलालुद्दीन मकबरनी के लिए मतलब उस पे अटैक करने के लिए पहुंच गए कहां, ख्वारिज्म। जलालुद्दीन मकबरनी ने हाँ बताइए पूछिए सर, मेरी क्लास 9:55 पे, डेली 9:55 पे ही होगी, अब रात को, अब लगातार मतलब कल आज परसों 3 ही दिन हो रहा है, फिर तो मैं 14 को 13 को ही लूंगी, 14 को तो चली जाऊंगी ना। फिर देखिए क्या हुआ, जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करने पहुंच गए खवारिज। जलालुद्दीन मकबरनी ने हाँ मुठियों में थूक के और पट्टी मारी किधर, हिंदुस्तान की तरफ, और आदम का कहा, दिल्ली, दिल्ली आ गया। चंगेज खां वाला पर्सन आया था पुलिस के, अरे वाह वेरी गुड, अच्छी बात है, काश पहले पढ़े हुए थे तो गलत नहीं करते आप लोग। दिल्ली है, दिल्ली के पास आ गया और आके उसको कहा किसको, इल्तुतमिश को, भाई जान, जान बचा, पीछे पड़ा है कौन, चंगेज खां। अब अपने अपने राजपूत होते तो अतिथि देवो भव, क्या अतिथि देवो भव, पहले हमारे सीने पे गोले खाएंगे फिर तुम्हारे, आ जा आराम से बैठ जा। वो कह रहा भाई साहब वो मारेगा मुझे तो, क्या आप मेरी वजह से आप मुसीबत में, कोई बात नहीं, हम लोगों ने तो क्या बचपन से ही मरते आए, हमको कौन सा डर लगता है, ये लो पहना केसरिया, हम तो कर लेंगे, हम तो केसरिया कर लेंगे, पहन लिया हमने तो भगवा। फिर आपकी रानियां क्या करेंगी, तैयार बैठी है जोहर करने के लिए, तो फिर क्या हुआ, साका करवा लेंगे और क्या हुआ, यही होता ना अपनी परंपराएं तो यही कहती। हालांकि मैं उनको गलत नहीं मानती, मुझे लगता है उन्हीं परंपराओं की वजह से राजस्थान की शान है, उसी आन बान शान की वजह से राजस्थान को इतना महत्व दिया जाता है आज, वो अलग बात है, लेकिन मतलब अपन ऐसा करते हैं। लेकिन इल्तुतमिश ने समझदारी दिखाई, उस टाइम नवस्थापित दिल्ली सल्तनत, छोटे सा बच्चा जन्मा ही है, छोटा सा बच्चा मतलब एकदम उगा ही है पौधे से, उसी को चंगेज खान जैसा व्यक्ति आएगा मसड़ के चला जाएगा, और हो सकता है सदैव सदैव के लिए हिंदुस्तान मंगोल लोगों के तहत या चंगेज खान के नेतृत्व में चाइना के अधीन चला जाता, ये तो कभी मंजूर नहीं था, कम से कम ये तो कुशिया से अंग्रेजों के अधीन रहे, चाइना वालों के तो नहीं रहे, चाइना वालों को तो अधीन रखा है हम लोगों ने। तो प्यारे साथियों, नवस्थापित दिल्ली सल्तनत की रक्षा की, जैसे ही बात पता चली किसको, जलालुद्दीन, इसको चंगेज खां को, चंगेज खां सिंधु नदी तट पे आ गया कि इतनी गुस्ताखी किसने की है हिंदुस्तान से जो मेरे किसी विरोधी को शरण दे रहा है। इधर इल्तुतमिश ने हाथ जोड़ लिए जलालुद्दीन मकबरनी के साथ, भाई साहब पैसा चाहिए पैसा ले ले, भाई साहब चिकन खाना है कि मटन खाना है कि अंगूर वाली पीनी है खजूर वाली पीनी है, जो चाहिए वो ले ले, पोटली बांध देता हूं पर बख्श दे, मैं तेरे लिए मुसीबत मोल नहीं ले सकता, मेरी छोटी सी दिल्ली सल्तनत मैंने थोड़े से दिन पहले बनाई है, विदा लो भाई साहब यहाँ से, और उसको विदा कर दिया। जैसे ही सिंधु नदी के पार आया चंगेज खां को पता चला कि मेरे डर से इल्तुतमिश नामक किसी भारतीय व्यक्ति ने मकबरनी को शरण नहीं दी, वो बड़ा खुश हो गया कि देखो ना साथियों कितना डरता है मेरे से लोग, मेरे जाने से पहले उसकी पैंट गिल्ली हो गई। वो चाहे कुछ भी सोचा होगा लेकिन उसके मन में क्या आया कि भारतीय डर गए तो क्या बेचारा सीधा साधा भोला सा राजा है, नया सा बना, छोड़ना करने दे, उसको दया आई और उसने हिंदुस्तान पे क्या नहीं किया जी, अटैक नहीं किया, बोलो सही बात है, तो बोलो कितनी बड़ी बात है। और चंगेज खां 1224 में वापस लौट गया, इस प्रकार इल्तुतमिश ने नवीन स्थापित दिल्ली सल्तनत की रक्षा की। उसके बाद में नंबर किसका, अगर पूरा मोहम्मद गोरी का क्षेत्र चाहिए तो दो लोग और जिन पे आक्रमण करना, एक नासिरुद्दीन कुबाचा जो सिंध और मुल्तान का राजा बन के बैठा है, उसके ऊपर अटैक किया बाकायदा 1227-28 में, और अटैक करके उसको पराजित करके उससे लाहौर और मुल्तान दोनों छीन के किसमें शामिल कर लिया, दिल्ली सल्तनत में। बचा कौन जी, एक बंगाल जिसमें ताजुद्दीन मोहम्मद इख्तियारुद्दीन बख्तियारुद्दीन खलजी था, उस पर भी अटैक किया 1229 में, और बाकायदा बंगाल को भी किसमें शामिल कर लिया, दिल्ली सल्तनत में, बोलो सही बात है। उसके बाद में बंदा गया ग्वालियर और 1232 में उसने ग्वालियर पे अधिकार किया,
और बाद में कहते हैं कि दे इतना महान आदमी था लेकिन अंत समय में टूट गया। चार छोरे थे, रुकनुद्दीन फिरोज सा, मुइजुद्दीन बहराम सा, अलाउद्दीन मसूद सा, लेकिन एक भी काम का नहीं है नासुरुद्दीन मोहम्मद, सबके सब बकवास। तो लास्ट में दिल टूटा और लास्ट में कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मृत्यु के बाद में मेरा असली कोई उत्तराधिकारी हो सकता है तो केवल और केवल मेरी बेटी रजिया हो सकती है। और कहते हैं कि अपने अंतिम समय में उसने न केवल रजिया का नाम अनाउंस किया बल्कि 1232 में ग्वालियर की जीत के बाद में उसने पहली बार रजिया के नाम पे सिक्के जारी किए। और ये मध्यकालीन भारत की एक बड़ी बात थी कि एक महिला के नाम पे सिक्के जारी किए। और उसके चार भाई थे जिसमें उसके बड़े भाई भी थे, रुकनुद्दीन फिरोज सा तो उसका बड़ा भाई था, उसके बाद पदक्रम में छोटी होने के बावजूद एक इतने योग्यतम राजा ने अपनी बच्ची के नाम पे सिक्के जारी किए। तो एक तो ये दिखा रहा है कि शायद इल्तुतमिश इस चीज को मानते थे कि वंशानुगत से ज्यादा योग्यता आधारित पद होने चाहिए। अब सोचो अगर आज इल्तुतमिश की चीजों को शामिल करें तो हिंदुस्तान कहां। उस बंदे ने इतनी साल पहले समझ लिया था कि वंश क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता कि मैं राजा हूं तो मेरा वरिष्ठ बेटा ही राजा बने, योग्यता महत्वपूर्ण होती है कि अगर तीसरा बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है तो उसको पद दिया जाए। तो योग्यता आधारित पदों को विभाजित करने की परंपरा इस व्यक्ति ने शुरुआत की। और एक लड़का और लड़की में अंतर नहीं किया है, कितने बड़ा है वुमन एम्पावरमेंट के लिए कितना बड़ा पहलू रहा होगा कि जिस मध्यकालीन भारत में हम कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति सबसे नाजुक थी लेकिन शुरुआत तो महिलाओं की गोल्डन एज से हुई है। इल्तुतमिश जैसे व्यक्ति ने अपनी बच्ची को अपना उत्तराधिकारी बनाया, उससे बड़ा शायद इल्तुतमिश के लिए कोई सम्माननीय पद मेरी नजर में नहीं हो सकता। पहले साथियों 1236 में इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये जितना बड़ा एक प्रशासनिक राजा हुआ उतना ही ज्यादा साहित्य प्रेमी भी राजा था। बाकायदा उसने मोहम्मद गोरी के नाम पे दिल्ली में एक मदरसा खुलवाया, मदरसा मुइजी, जहाँ बच्चे शिक्षा लेते थे इस्लाम धर्म की। इसका एक बेटा था इल्तुतमिश का जिसका नाम था नासुरुद्दीन महमूद, जो उसकी मतलब जीवन काल में मृत्यु को प्राप्त हो गया था, मर गया था। बाकायदा अपनी बच्चे की याद में उसने दिल्ली में एक मदरसा और बनाया जिसका नाम था मदरसा नासिरी, जहां से भी बच्चे शिक्षा लिया करते थे। इसी के दरबार में मिनहाज उस सिराज जैसा महान लेखक रहा करता था जिसने किताब लिखी थी तबकात ए नासिरी। मिनहाज उस सिराज ने जो किताब लिखी है ना तबकात ए नासिरी, वो इसका जो बेटा था ना उसी के ऊपर लिखी गई है। हालांकि पूरे वंश के बारे में लिखी है लेकिन समर्पित उसी को की है। प्यारे साथियों इसने एक मकबरा बनाया था जिसको हम सुल्तान गढ़ी का मकबरा बोलते हैं, और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी हम हिंदुस्तान में इल्तुतमिश को ही मानते हैं। और जो सुल्तान गढ़ी का मकबरा है ना दिल्ली वाला, ये भारत का पहला सल्तनतकालीन मकबरा है, भारत का पहला मध्यकालीन भारत का पहला मकबरा इल्तुतमिश का सुल्तान गढ़ी का मकबरा ये। इस व्यक्ति ने नागौर में अतारकिन का दरवाजा बनाया, इस व्यक्ति ने बदायूं में दो तालाब बनाए, होज ए खास और होज ए ईदगाह नाम का। और जो बदायूं की जामा मस्जिद है उसका निर्माण भी किसने कराया था, इल्तुतमिश ने ही करवाया था। तो यहाँ केवल कहने का मेरा तात्पर्य इतना ही था कि केवल एक प्रशासनिक महान राजा या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक या प्रथम सुल्तान ही नहीं था बल्कि एक योग्यतम शासक भी ये था और एक साहित्य प्रेमी सुल्तान भी ये रहा। यही बात मैंने पूरी पीपीटी में आपको बताई है। हाँ, गुलामों में सबसे योग्य था। ये रहा आपका सुल्तान गढ़ी का मकबरा। प्यारे साथियों ये आपके दिल्ली सल्तनत का, या मैं कहूँ कि जो मध्यकालीन भारत है उसका पहला मकबरा है, और इसका निर्माता इल्तुतमिश था इसलिए हम इल्तुतमिश को भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहते हैं। ये इल्तुतमिश के बारे में पूरा जो मैंने आपको बताया है। आप पीपीटी यहाँ से चाहो तो ये देखो, मैंने तराइन के युद्ध की भी बात कर ली, इसको आप अच्छे से पढ़ना। ये इसका मैंने वो कार्य बता दिए, मदरसा मुइजी, नासिरी, नागौर, तारकिन दरवाजा, सुल्तान गढ़ी का मकबरा और बदायूं की जामा मस्जिद। कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हो, ठीक है। ये देखिए आरपी त्रिपाठी और ईश्वरी प्रसाद, गलत लिखा, ईश्वरी प्रसाद ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा, ये सवाल आएगा, ठीक है। आरपी त्रिपाठी और ईश्वरी प्रसाद ने इसको वास्तविक सुल्तान माना है। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अमीरों ने रजिया के स्थान पे रुकनुद्दीन फिरोसा को गद्दी पे बैठाया। फिर एक तरीका होगा कि फिर रजिया कैसे जैसे करके राजा बन जाएगी। इसी के साथ प्यारे साथियों ये क्लास पूरी होती है। उम्मीद करती हूँ कि इल्तुतमिश पे थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। समय की लिमिटेशन थी और खुल के बताना संभव नहीं हो पा रहा था, और भी बहुत कुछ याद आ रहा था पर अपने शब्दों को बड़ा ऐसे
ध्यान ध्यान रख से बोलना पड़ा कि क्लास पूरी हो सके 1.25 घंटे में। और अब मैं कल कोशिश करूंगी कि जो नेक्स्ट क्लास, आप रजिया पढ़ाऊं क्या कल? है क्या इच्छा है क्या? मैंने वैसे रजिया नहीं दे रखा, पर वो हमारे हाथ में होते हैं, हम कुछ भी पढ़ा सकते हैं इसमें। अच्छा अच्छा, थैंक यू कुलदीप। मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र हो रही थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने प्लस क्लास आज बीच में छोड़ दी। मेरे इतना बैक पेन और इतनी नींद आ रही थी मुझे उस टाइम, वो दवाया ले रखी थी तो मैंने वो क्लास बीच में छोड़ी। और मुझे लगा कि इसने आज ही सब्सक्रिप्शन लिया, इसको समझ में ही नहीं आएगा तो कितना इसका माथा खराब हो जाएगा ना। पर चलो, आप लोग बने रहे मेरे साथ। कल की क्लास में कोशिश करूंगी लास्ट में मैं 10-15 क्वेश्चन। ठीक है।